नमस्कार नमस्कार नमस्कार, दिस इज ब्योमकेश महेर। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस बिगिनर टू मास्टर चैनल, बी टू एम चैनल। टुडे आई हैव टेकन अ न्यू टॉपिक फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री, एंड द टॉपिक इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। दुनिया का प्राचीन सभ्यता में एक सभ्यता है जो कि हम लोग का सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हरप्पान सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एंड जैसे कि वर्ल्ड में चार अलग अलग सिविलाइजेशन थे उस टाइम पे, एक है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, एक है इजिप्ट सिविलाइजेशन, एक है हरप्पान सिविलाइजेशन और एक है चाइनीज सिविलाइजेशन, जैसे कि आप देख सकते हो पीपीटी में। आज के डेट में जो मॉडर्न एरिया इराक है वहां पर हुआ था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो इजिप्ट है वहां पर हुआ था इजिप्ट सिविलाइजेशन, और हम लोग का हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जो हुआ था हरप्पान सिविलाइजेशन, और चाइना में जो हुआ था चाइनीज सिविलाइजेशन। बट बात हम मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइनीज की नहीं करेंगे, आज करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सारे सभ्यता में एक चीज कॉमन है, आप देख सकते हैं कि सारे सभ्यता वर्ल्ड के जो है रिवर के साइड में ही हुई है, क्योंकि खाना तो जरूरी है और उससे ज्यादा जरूरी चीज जो है पानी, क्योंकि पानी के अभाव में इंसान जो है जिंदा रहना उसकी बस की बात नहीं है, चाहे पुराने जमाने हो चाहे आज के जमाने हो। तो सबसे जरूरी चीज है लाइफ में ये है पानी, सब चीज के लिए। तो आप देख सकते हो यहां पर क्वेश्चन भी आता है कि जो रिवर टाइग्रिस और यूफ्रेटस है, इस रिवर के साइड में बना था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, करीब करीब 4000 बीसी से लेकर 6th सेंचुरी बीसी तक चला था, 6th बीसी तक चला था। उसके पास, उसके साथ जो रिवर नील रिवर है, नील नदी और नाइल रिवर, जो इजिप्ट सिविलाइजेशन का गठन हुआ था 3400 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। उसके बाद होयांग हो रिवर, जो कि चाइना का स्वरूप, सरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, चाइना का दुख कहा जाता है, फ्लड बहुत आते हैं यहाँ पर, तो होयांग हो रिवर साइड में चाइनीज सिविलाइजेशन हुआ था 1765 से लेकर 250 बीसी के बीच में। और जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, सिंधु घाटी की सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी शुरुआत हुई थी इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो चार सिविलाइजेशन है उसमें से सबसे ऑर्बन, सबसे डेवलप सिविलाइजेशन जो है हम लोगों का सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे अर्बन शहरी सभ्यता और सबसे डेवलप सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वी मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट थिंग। और यहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजियस लाइफ कैसा था, कल्चरल लाइफ कैसा था, सोसाइटी कैसा था, किस प्रकार से बटा हुआ था, बिजनेस किससे करते थे, ट्रेड मतलब ट्रेड एंड बिजनेस किस प्रकार से करते थे, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं चीजें। वेल, देखो, एक फ्री क्लासेस मैं लेके आया हूं। यस, मेरा नाम है ब्योमकेश मेहर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। एंड यस, एक स्पेशल क्लास अनएकेडमी ऐप में स्पेशल क्लास लेके आया हूँ कि जो कि फ्री कम्प्लीटली फ्री है, जिसके साथ आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगा और कम्प्लीटली फ्री क्लासेस हैं, और जिसका टाइमिंग सुबह 9 से 10 बजे और 10 से 11 बजे। आप देख सकते हो ये टाइमिंग, देखिए यहाँ पे इसका टाइमिंग है सुबह 1 मिनट, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइमिंग सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे से 11 बजे तक। तो ये 9 to 10 और 10 to 11 सेम टाइमिंग है इवनिंग में, देख लीजिए यहाँ पर
9 टू 10 और 10 टू 11, सेम टाइमिंग इन द इवनिंग। सो 9 से 10, 10 से 11 सुबह और शाम, 4 घंटा आप लोग को फ्री क्लास मिल रहा है स्पेशल क्लास में। बट कहाँ पर मिल रहा है? अनएकेडमी के ऐप पे मिल रहा है। अगर अनएकेडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किए हो तो आप जाइए प्ले स्टोर में जाइए और अनएकेडमी लर्निंग ऐप करिए, वहाँ पर टाइप करिए, उसको डाउनलोड करिए और वहाँ से आप गोल पूछेगा तो यूपीएससी ऑप्शन जाइए और वहाँ पे मेरा नाम टाइप कर दीजिए व्योमकेश मेहर, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा। और दोज आर ऑल्सो प्रिपेरिंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस पब्लिक सर्विस कमीशन एसएससी सीडीएस एनडीए, उनके लिए भी ये बेहतर है, जिसमें मैं कवर करूँगा हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। और ये क्लासेस कम्प्लीटली फ्री रहेगा, एब्सोल्युटली फ्री, कम्प्लीट टोटली फ्री रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगे क्लास खत्म होने के बाद, वहाँ पे ऐप पे जाके क्लास खत्म होने के बाद डाउनलोड का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर डाउनलोड करके आप जो है पा सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? एंड ये है, अगर पीडीएफ के लिए चाहिए तो ये टेलीग्राम ऐप है, यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं बेटा। और यही नंबर पे भी अगर एडमिशन वगैरह चाहिए तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं और इंस्टा में भी जुड़ सकते हैं। क्लियर है बेटा? देन यस, दिस इज अबाउट मी, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, पास आउट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑल्सो पास आउट फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय। एंड और एक चीज मैं लाया हूँ, गोल्डन जीके ट्रिक्स। गोल्डन जीके ट्रिक्स मतलब मैं 108 आप लोगों के लिए, सावन का महीना है, 108 जो है गोल्डन ट्रिक्स ला रहा हूँ, सारे टॉपिक को मिला के, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, सारे टॉपिक का जो है गोल्डन जीके ट्रिक्स मैं लाया हूँ। और मैं आप लोग, कुछ हैवी अपलोड हो चुका है और कुछ होना बाकी, आप देख सकते हैं। और एक नया सीरीज, जबरदस्त सीरीज लेके आया हूँ, अब की बार यूपीएससी पार। देखिए दीज आर द सक्सेसफुल कैंडिडेट रोमन साइनी सर, आप देख सकते हो यहाँ पर मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाए हैं, ये तो पता ही है आप लोगों को, है कि नहीं, तीना धावी। देन उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट्स के साहब, ये सिलेक्शन होने के बाद होगी, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सिलेक्शन लेना होगा। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर मसूरी में जाओगे, ट्रेनिंग करोगे, कितना बढ़िया चीज़ है, बट उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और हर एक दिन पे एवरी डे थोड़ा थोड़ा सा हर एक दिन मेहनत करना पड़ेगा। तो 10 बजे, सुबह 10 बजे जो सीरीज आ रहा है अब की बार यूपीएससी पार, और ये अवेलेबल है अनएकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है, आइए और ढूंढिए। और एक जबरदस्त सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ शाम के 10 बजे, ये था अब की बार यूपीएससी पार क्या था, सुबह 10 बजे, और ये शाम के 10 बजे 20 कदम, जिसमें देखिए मैं डिस्कस करूंगा 20 कदम में, हर एक दिन 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिस प्रकार से कौन बनेगा करोड़पति होती है उस प्रकार से 20 जो सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊंगा, बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पुट अप होती है या फिर पुट अप होने का चांसेस है, वो टॉपिक होगा हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, स्टैटिक जीके से, करंट अफेयर्स से, साइंस से, इकोनॉमिक्स से और पॉलिटिक्स से, जो मेन जीएस का पोर्शन होता है, जिसका मैंने नाम दिया है 20 कदम। 20 में से आप कितना मार्क्स ला रहे हो, डेली बेसिस पे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो 20 कदम यूपीएससी क्रैक करेंगे हम, ये टैगलाइन है, 20 कदम और यूपीएससी क्रैक करेंगे हम, है ना? तो आइए इस 20 कदम में, आप सब लोगों को स्वागत है 20 कदम में। आपको करना क्या होगा, अनएकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पे आके वहाँ पर, और आइए पूरा मज़ा आएगा, आप हर एक दिन अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर पाओगे। क्लियर है पॉइंट? सो प्लस में जुड़िए, ठीक है? ये है अनएकेडमी का लर्निंग ऐप, ठीक है? प्ले स्टोर में जाएंगे, इस प्रकार से आएगा तो उसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद सारा चीज़ें जो है आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो दीज आर द टॉप एजुकेटर और द पार्ट ऑफ अनएकेडमी, ठीक है? सो देखिए अगर फीस की मैं बात करूँ तो एक साल का, दो साल का, एक साल का है बेटा 44,000 और दो साल का 64,000, और ये अगर पीएम लाइव करते हैं तो 44,000 में 10% डिस्काउंट मिल के आपको पड़ जाएगा 39,600, और ये जो 64,000 है उसमें भी बीएम लाइव, ये मेरा कोड है, मेरा कोड होगा तो मैं स्पेशल गाइड करूँगा ऑब्वियसली, जिसमें आपको पड़ जाएगा 57,600, ठीक है? दो साल के लिए 57,600। और एक चीज़ है जो स्पेशल हम लोगों ने लॉन्च किया है, वो है आइकनिक सब्सक्रिप्शन। अगर स्पेशल लेवल पे इंडिविजुअल मेंटोर चाहिए,
देन आपको आपको आप ऐसा चाहते हो कि कोई आपको हमेशा जो है साथ दे, इमोशनली मेंटली हर एक चीज में। उसके साथ साथ आपको आईएएस तक कौन सा किताब पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, ऑप्शनल कौन सा चूज करना है, किस अप्रोच के साथ मुझे जाना है। देखो सबकी बैकग्राउंड अलग अलग होती है, कोई हिस्ट्री से है, कोई पॉलिटी से है, कोई ह्यूमैनिटी से है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी है, सबकी बैकग्राउंड अलग अलग, सबका स्टोरी अलग अलग है। तो हम आपको अपने तरीके से गाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लोग यूट्यूब में कर रहे हैं, सबको एक साथ कर रहे हैं, बट वो सबके लिए लागू नहीं होता। बट आप लोगों के साथ रह के पर्सनल मेंटरशिप करेंगे, जिसमें क्या मिलेगा, देखो आपको पर्सनल कोच मिलेगा, डेली आप क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे, उसका आंसर शॉर्ट आउट करके हम बताएंगे आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। स्टडी प्लानर, स्टडी करने का टेक्निक बताएंगे, पर्सनल फीडबैक देंगे डेली बेसिस पे कि आप किस अप्रोच पे जा रहे हो, आप में गलती क्या हो रही है, आपको कैसे जाना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस अप्रोच में जाना है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है, मेंस के लिए किस तरीके से करनी है, इंटरव्यू किस तरीके से करनी है, फाइनली सिलेक्शन। तो ये सब के लिए पर्सनल मेंटरशिप, हर एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप पर्सनल गाइड चाहते हो तो पर्सनल गाइड मिल सकता है, और मुझे चाहते हो आप तो मेरा रेफरल कोड करिए बीएम लाइफ, जिसमें मैं पर्सनली आपको ट्रेन करूंगा कैसे आपको तैयारी करना है सिविल सर्विस। एक साल का है 57,600 और 2 साल का पर्सनल है 89,100। क्लियर है पॉइंट? तो ये है आपकी आइकनिक सब्सक्रिप्शन, अगर पर्सनल लेवल पे आप हर एक चीज में गाइडेंस चाहते हैं तो। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए अब मैं एक एक टॉपिक करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करूंगा। ये टॉपिक में मैंने ये टॉपिक का स्पेशलिटी क्या है, देखो पहले मैं टॉपिक समझाऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, रिलीजियस लाइफ क्या है, सोशल लाइफ क्या है, कल्चरल लाइफ क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, कैसे शुरुआत हुआ था, कैसे अंत हुआ था, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स एग्जामिनेशन में आ सकता है, सारे साइट का डिस्कस करूंगा, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। उसके साथ साथ क्या है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन लाया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन लाया है और क्वेश्चन आप लोगों को पुट अप करूंगा और आप लोग आंसर दोगे। देखो ये तो प्रीमियर होगा, लाइव नहीं आएगा, बट जब भी इस वीडियो को देखते हो लास्ट में क्वेश्चन आंसर है, तो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंपल क्वेश्चन भी है, मीडियम क्वेश्चन भी है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, उसको आपको आंसर देना है। क्लियर है? उसको आपको बेटा आंसर देनी है। क्लियर है अपन? तो आइए आप सब लोगों को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन पे, ठीक है? उसके बाद आई विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर सेशन। ऑलराइट, सो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है? सो इंडस वैली सिविलाइजेशन नेम्ड आफ्टर इंडस वैली वर द फर्स्ट रिमेन वर फाउंड। उस टाइम पे उस वैली का नाम क्या था, इंडस वैली, ठीक है? इंडस वैली से उसका नाम पड़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नेम्ड एज ए हरप्पान सिविलाइजेशन, उसको क्या कहा जाता है, हरप्पान सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है? एंड फर्स्ट साइट वॉज एक्सहबिटेड इन द ईयर 1920। यहाँ पर याद करने वाला चीज ये है कि 1920 में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सहबिटेड हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सहबिटेड हुआ था। इतना याद करोगे तो बाकी सब सिंपल है, इंडस वैली को हरप्पान सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पिक्चर देख सकते हो, कितना मजेदार था उस टाइम पे, कितना टाउन प्लानिंग, कितना सिस्टमेटिक था। उसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, सरस्वती कल्चर भी कहा जाता है, सिंधु सरस्वती कल्चर भी कहा जाता है, और हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, उसको सरस्वती सिविलाइजेशन, सरस्वती कल्चर, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन और ऑल्सो नोन एज हरप्पा, हरप्पा हरप्पा सिविलाइजेशन भी कहा। तो कंफ्यूज मत होना, चाहे वो इंडस हो, चाहे वो इंडस हो, चाहे हरप्पा हो, चाहे सरस्वती कल्चर हो, चाहे सरस्वती सिविलाइजेशन हो, चाहे सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन हो, एक ही चीज है। क्लियर है? ये आप पिक्चर देख सकते हैं। तो वर्ल्ड में अलग अलग सिविलाइजेशन हुआ था उस टाइम पे, 4 अलग अलग सिविलाइजेशन हुआ था, आप देख सकते हो। एक है मेसोपोटामिया, एक है इजिप्ट, एक है हड़प्पा और एक है चाइना। और आप देख सकते हो जो मॉडर्न इराक है वहां पर मेसोपोटामिया, जो इजिप्ट है वहां पर इजिप्ट सिविलाइजेशन, जो इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान है वहां पर हड़प्पा, और जो चाइना है वहां पर चाइनीज सिविलाइजेशन। और जो रिवर्स यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन,
मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कौन सा रिवर साइड में हुआ था? वो है टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस। और इजिप्ट सिविलाइजेशन हुआ था बेटा नील रिवर के साइड में, और इंडस रिवर के साइड में हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन सिविलाइजेशन, और होयांग हो रिवर के साइड में हुआ था चाइनीज सिविलाइजेशन। तो आप देखो उसका टाइम पीरियड देख लो, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन 4000 BC से लेकर 6th BC तक, इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है 3400 BC से लेकर 1000 BC तक, हरप्पा सिविलाइजेशन जो है 2500 BC से लेकर 1750 BC, और चाइनीज जो है 1765 से लेकर 250 BC। और जो मॉडर्न एरिया है बेटा इराक है, देन इजिप्ट है, देन ये हरप्पा जो है इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और चाइनीज जो है दैट इज इन चाइना। सिंपल। तो ये सबसे भी डाटा आते हैं, यहाँ से कैसे डाटा आएगा कि मॉडर्न एरिया ये सिविलाइजेशन कहाँ पे स्थित है, कौन सा रिवर साइड में हुआ था, और ये ईयर को भी याद रखना जरूरी है, ये ईयर को भी याद रखना जरूरी है। बट मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि दुनिया का चार सिविलाइजेशन में से सबसे अर्बन सिविलाइजेशन, सबसे यू कैन से अर्बन और मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है हम लोग का सिविलाइजेशन है, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर है पॉइंट? अब देखो जो रिवर साइड में जो बना था घाघर हरका रिवर, ठीक है, उस रिवर का नाम क्या है, घाघर हरका रिवर आइडेंटिफाई द मिथोलॉजिकल रिवर सरस्वती। ठीक है, देखो सरस्वती रिवर के बारे में ये है बेटा कि माना जाता है कि सरस्वती रिवर पहले था, बट अब जो है ज्योग्राफी उसको सरस्वती रिवर का एग्जिस्टेंस नहीं मानते। देखो जैसे कि एक एरिया है सप्त सिंधु कहा जाता है, सप्त सिंधु, देखो व्हाट डू मीन बाय सप्त, सप्त मतलब क्या होता है, सात होता है, सिंधु का मतलब क्या होता है, रिवर्स, सिंधु का मतलब होता है रिवर्स। क्लियर है पॉइंट? सप्त सिंधु का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवन रिवर्स, सात रिवर का संगम को सप्त सिंधु कहा जाता है। अब कौन कौन सा रिवर है बेटा, देखो पहला जो चीज है दैट इज इंडस रिवर, फर्स्ट जो है दैट इज इंडस, देन इज सरस्वती, सरस्वती रिवर, देन झेलम, झेलम रिवर, देन चेनाब, चेनाब रिवर, देन सतलुज, देन रवि, एंड देन ब्यास, ब्यास को इंग्लिश में बीस भी कहा। तो ये जो सात रिवर का संगम है, इंडस, सरस्वती, झेलम, चेनाब, सतलुज, रवि एंड ब्यास, उसको जो है सप्त सिंधु रीजन कहा जाता है। सप्त सिंधु मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवन रिवर, जो एक्चुअली में माना जाता है इंडस का ओरिजिन वहां पर हुआ था, जो सप्त सिंधु रीजन है, जो आज के डेट में इंडस रिवर सिस्टम है, आज के डेट में पाकिस्तान और जो नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट है। क्लियर है? तो आईबीसी वाज वैदिक कल्चर एज परसीव्ड बाय द ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ। सो ट्रेडिशनल हिंदू बिलीफ क्या करते हैं कि ये जो है वैदिक कल्चर से इन्फ्लुएंस है, मतलब आईबीसी वॉज द वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन में जिस प्रकार से हुआ था आईबीसी भी उस प्रकार से था। और मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड जो माना गया है, हालांकि रिगार्डिंग द ओरिजिन और रिगार्डिंग द डेट, हिस्टोरिकल डेट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिबेटेबल, डिफरेंट बुक्स हैव डिफरेंट और डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज, बट जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से माना गया है वो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक को माना गया, दिस इज अकॉर्डिंग टू द कार्बन डेटिंग। और जॉन मार्शल वाज द पर्सन, द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जॉन मार्शल थे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टर्म्स उन्होंने पहले दिया था। अब देखो, अब मैं उनकी एरिया की बात करता हूँ, एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जैसे कि मैं मैप अगर बना दूं यहाँ पे, देखो अगर ये मान लीजिए कि भारत का मैप है, जम्मू कश्मीर वाला है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे, तो इंडस वैली का ये जो एरिया है बेटा, ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो एरिया है, सो ये जो एरिया है, दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया। अगर ये पाकिस्तान इलाका, देन यहाँ पर इस तरफ से, देन यहाँ पर इस तरफ, क्लियर है? तो ये माना गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। थोड़ा सा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी है,
पाकिस्तान में ज्यादा एरिया में है, उसके साथ साथ जो है इंडिया के इस एरिया में। तो ये जो है 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर पे स्प्रेड है, और दिस इंक्लूड होल पाकिस्तान, पाकिस्तान का पूरा एरिया, सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो तीनों, और एंड ऑल्सो ईरान। तो ध्यान रखना, पाकिस्तान का पूरा, सम पार्ट ऑफ इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ ईरान, ठीक है, ये एरिया में स्थित है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप देखिए जो जो एरिया में कवर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो एरिया आप देख लीजिए, सिंध है, बालूचिस्तान है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात, आलमगिरीपुर, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, लोथल एंड जम्मू। यहां पर एक प्रीलिम्स का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता भी है और बन सकता है प्रीलिम्स के लिए, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा एरिया को शामिल किया गया है या फिर उसमें से कौन सा एरिया शामिल नहीं है। तो आपको याद रखना, ये सब एरिया को याद करना जरूरी है और प्रीलिम्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है सिंध, बालूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आलमगिरीपुर, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र, पाकिस्तान, नॉर्दर्न ईस्टर्न अफगानिस्तान, लोथल, जम्मू। देखिए बेटा, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, ठीक है। उसके साथ साथ टॉपिक खत्म करने के, मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि पढ़ाने के टाइम पे कैसे याद हो जाए, उसके साथ साथ मैं उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आपको आंसर देना है। आप रिकॉर्डिंग लाइव के टाइम पे नहीं भी हो तो बाद में भी देख रहे हो, तो बेटा ये वीडियो देखने के बाद उसी वीडियो में ही लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया हूँ, आपको जो है आंसर दे, क्वेश्चन आंसर का आंसर देना है, क्लियर है पॉइंट। तब जाके एक परफेक्ट परफेक्ट एंडिंग होगा टॉपिक का। हम लोग क्या करते हैं, खाली पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते खाली पढ़ते रहोगे, आप खुद का इवैल्यूएट, खुद का टेस्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा बेटा, आपको टेस्ट करना पूरा जरूरी, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए, उनका धार्मिक लाइफ जो है, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, रिलीजन के बारे में ये बहुत ही मजेदार चीज है। देखो, पहला चीज है कि कोई टेम्पल्स नहीं था, भगवान के लिए कोई टेम्पल नहीं था, बट हाँ, स्टेचू वॉज देयर, मूर्ति पूजा पे बिलीव करते थे, भगवान पे बिलीव करते थे, बट कोई मंदिर नहीं था। और भगवान के हिसाब से उनका दो प्रकार के भगवान थे, एक है मेल गॉड, एक है फीमेल गॉड। मेल गॉड, मेल डाइटी, और मेल गॉड और फीमेल गॉड। तो फीमेल, मेल गॉड का जो नाम है पशुपति महादेवा, पशुपति महादेवा को जो है प्रोटो शिवा भी कहा जाता है, आज के डेट में जो शिवजी से कंपेयर किया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कैलाश रेंज में शिवजी जो है, शंकर जो है, इस तरह से योग मुद्रा में, मतलब मेडिटेशन करके ऐसे इस तरह बैठे होते हैं, उनके ऊपर से गंगा, सांप, इस तरह। तो वो, तो जिस प्रकार से पशुपति महादेव, गॉड ऑफ एनिमल, तो उनको शिवजी से ही कंपेयर करता, कंपेयर ही वाज ऑल्सो, पशुपति महादेव वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय फोर एनिमल्स, चारों तरफ जो है चारों एनिमल्स थे। उसके साथ जो है फीमेल डाइटीज, फीमेल गॉडेस, उनका नाम है मदर गॉडेस, मैं बताऊंगा एक एक करके। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पशुपति महादेव के बारे में। देखो, पशुपति महादेव जो है आज के डेट में शिवजी से कंपेयर होते हैं, एंड ही वॉज इन योगिक पोश, उनके चारों तरफ से चारों एनिमल्स थे, एक तरफ थे एनिमल्स, एक तरफ थे मतलब एलिफेंट, एक तरफ थे टाइगर, एक तरफ थे बफालो, एक तरफ से राइनोसर, राइनो मतलब राइनोसर गेंडा, एंड टू डियर एफियर इन हिज फीट, फीट में दो दो थे, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर ही वॉज सराउंडेड बाई फोर एनिमल्स, एक तरफ एलिफेंट, टाइगर, बफालो एंड राइनो, एंड टू डियर एफियर इन हिज फीट, फीट में दो थे। एंड देर वॉज द प्रिवलेंस ऑफ द फेलिक लिंगम वर्शिप। वॉट डू अंडरस्टैंड बाय द लिंगम वर्शिप? लिंगम वर्शिप का मतलब है सेक्सुअल ऑर्गान को पूजा करते थे। आज के डेट में भी ध्यान से देखोगे, जो शिव मंदिर हम लोग जाते हैं बेटा, शिव मंदिर में शिवलिंग होता है, शिवलिंग मतलब दैट इज द सेक्सुअल ऑर्गन, दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल ऑर्गन, उसको हम लोग पूजा करते हैं, शिवलिंग को पूजा करते हैं। तो यही हिंदू धर्म का खासियत है कि हम लोग जो है हर एक चीज को भगवान का रूप देते हैं। ये पानी है, जल, जल को भगवान मानते हैं, हवा है, हवा को भगवान मानते हैं, आकाश है, आकाश को भगवान मानते हैं, धरती है, धरती को भगवान मानते हैं,
पशु जानवर गो माता को भगवान मानते, हर एक अग्नि है उसको भगवान मानते, सूर्य देव है उनको भगवान मानते। तो हिंदू धर्म के हिसाब से 33 कोटि प्रकार के देवता हैं। तो यहां तक मतलब सेक्सुअल अर्गान को भी हम लोग भगवान का रूप देते हैं, समझ लो चीजें। तो ये अच्छी कल्चर है। तो आप देखो उसके बाद जो है शिव शक्ति वर्शिप, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्शिप इन इंडिया अपीयर टू हैव बीन पार्ट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ हम पीपुल हम्पटबल। यहाँ पर देखो हम्पटबल जो बुल, उनका जो है रिलीजियस सिंबल है, बुल जो है रिलीजियस सिंबल है। उसके साथ साथ देखो द रिमेन एंड रिलिक ऑल्सो रिवोल्व द जुलट्री, जुलट्री एंड उसके साथ साथ जुलट्री मतलब एनिमल, जुलट्री का मतलब क्या होता है, एनिमल वर्शिप, एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप। ठीक है, ट्री जैसे कि पीपल का पेड़ को पूजा करते हैं, एनिमल वर्शिप आज के डेट में एनिमल वर्शिप किया जाता है। ठीक है, जैसे कि काओ को हम लोग पूजा करते हैं, गो माता के हिसाब से मानते हैं। ठीक है, सो वेर वैग इन दिस डेज, तो एनिमल वर्शिप ट्री वर्शिप भी उस टाइम पे करते थे। और देखिए मदर गणेश के बारे में, मदर गणेश और शक्ति और मातृ देवी के बारे में इतना ज्यादा नहीं है, बट देखिए देर इज एविडेंस ऑफ प्रिवलेंस ऑफ योनि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन वर्शिप। तो ये उस टाइम पे था कि महिलाओं का जो सेक्सुअल ऑर्गन है योनि को वो लोग पूजा करते थे। ठीक है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है योनि को वो लोग उस टाइम पे पूजा करते थे। द मोस्ट कॉमन फाउंड फिगर ऑफ दैट मदर गणेश, उस टाइम पे मदर गणेश का पिक्चर भी था। एंड देखो और एक इंटरेस्टिंग चीज वहां पर मैं बताना चाहूंगा, स्क्रिप्ट एंड उनका लैंग्वेज, भाषा एवं लिपि। तो एविडेंस के हिसाब से देखो उनका जो, उनका जो था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, मतलब पिक्चर के थ्रू वो रिप्रेजेंट करते थे भाषा। जैसे कि एक ओडिया भाषा लिख देता हूं मैं, हमेशा लिखता हूं मैं एक चीज लिख देता हूं और एक बार, जैसे कि भारत मोर देश अटे। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, जो उड़िया नहीं है वो नहीं समझ पा रहे होंगे, उनको जो है चिड़िया जानवर की तरह दिख रहा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये मैंने लिखा है, भारत मोर देश अटे, भारत मेरा देश है, इंडिया इज माई कंट्री, मैंने ये लिखा ओडिया लैंग्वेज में। तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट यहां पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चिड़िया की तरह जानवर की तरह ये अलग अलग तरीके से है, ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। देखिए आप देखिए, तो दिस इज नोन एज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, द रिप्रेजेंट द इमोशन थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स, पिक्चर के थ्रू लिखते हैं। आप व्हाट्सएप यूज करते हो उसका मतलब क्या होता है, लाइक उसका मतलब क्या होता है, डिसलाइक उसका मतलब क्या होता है, विक्ट्री है ना उसका मतलब क्या होता है, क्लैप उसका मतलब क्या होता है, नमस्कार। तो इस तरह से सिंबॉलिकली आप जो है व्हाट्सएप यूज करते हो आज के डेट में, वही इंडस वैली सिविलाइजेशन का चीजें रिपीट हो रहा है, समझ लो चीजें। तो उस टाइम पे पहले तो भाषा नहीं था, वो इशारों इशारों पे बात करते थे, इशारों इशारों पे बात करते थे। तो चीजें जो है उसके बाद जो है भाषा आया था, और पहला जो भाषा जो था स्क्रिप्ट था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था। ठीक है, उसके बाद देखिए उनका लिखने का तरीका बड़ा ही अजीब था। देखो उसको हम लोग कहते हैं बोस्टोफोडर। अब जैसे कि इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी भाषा देखिए, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट होता है। अगर मैं उर्दू की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए कि ये उर्दू उर्दू भाषा है, तो उसमें क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। बट उनका जो लिखने का तरीका था थोड़ा सा अलग था। देखिए कैसा अलग था उनका लिखने का तरीका, मान लीजिए कि ये पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, तो उनका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग था। कैसे करते थे, फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट लाइन जो है राइट से होके लेफ्ट आता था, राइट से होके लेफ्ट आता था फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन जो है लेफ्ट से होके राइट जाता था, लेफ्ट से होके राइट जाता था, देन अगेन अगेन रिवर्स होता था, राइट से लेकर लेफ्ट आता था, लेफ्ट आता था, और अगेन लेफ्ट से होके राइट जाता था, अगेन लेफ्ट से होके राइट जाता। तो ये जो है राइट लेफ्ट होता था, क्लियर है पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं उल्टा एस की तरह, इस तरह से जाके इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर उल्टा एस, जिगजैग मोशन जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है, तो दैट इज नोन एज बोस्टोफोडर, राइट टू लेफ्ट इन द फर्स्ट लाइन एंड लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड लाइन, दैट इज नोन एज जिगजैग मोशन। ठीक है, इट हैज बीन रेफर टू प्रोटो द्रविडियन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज हरप्पान स्क्रिप्ट। अगर पूछा जाए सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कौन सा है, हरप्पान स्क्रिप्ट है, बट हरप्पान स्क्रिप्ट को कोई अब तक पढ़ नहीं पाया है, कोई उसको जान नहीं पाया है। ठीक है, बट ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट हरप्पान है, एंड द ओल्डेस्ट
Dissipated script is Brahmi, is known as the about the 5th century BC and the most later Indian script developed from the Brahmi. तो जितने भी स्क्रिप्ट डेवलप हुए हैं इंडिया से वो जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डेवलप हुए हैं. क्लियर है आपको? अब देखो एक चीज और है. टिटेटाइट वाज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सील. सील बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, एक धातु था उसको जो है सिटेटाइट कहा जाता था. एंड हम्ड बल, जो मैंने सिंबल आपको दिखाया था, ये जो पिक्चर मैंने दिखाया था हम्ड बल, दिस इज नोन एज हम्ड, ठीक है, ये जो था हम्ड बल, ठीक है. तो आप देख सकते हो हम्ड बल इज रिप्रेजेंटेड द मोस्ट ऑफ द इंडस सील. तो ज्यादातर जो सील में, जो कॉइन में हम्ड बल होते थे. एंड इनह्यूमेटन और कंप्लीट बुरियल वाज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड. जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म के हिसाब से डेथ होने के बाद हम लोग जला देते थे, इस्लाम धर्म में डेथ होने के बाद उनको दफनाते हैं. तो उस टाइम पे क्या करते थे, कंप्लीट बुरियल, मतलब वो लोग दफनाते थे. और आज के डेट में जो सिंबल है, जो हिटलर का जो सिंबल है आज के डेट में भी, ठीक है, स्वास्तिक वाला जो सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल क्या है, ये स्वास्तिक सिंबल है. तो ये सिंबल कहां से ले, तो ओरिजिन ऑफ स्वास्तिक सिंबल कैन बी ट्रेसेस फ्रॉम द आईबीसी, आईबी से लिया गया था, ठीक है. एंड द रिग वेद स्पीक ए बैटल एट द प्लेस नेम्ड. तो ये जो स्वास्तिक सिंबल है यहां से लिया गया था. और द मेजोरिटी ऑफ द स्कॉलर बिलीव दैट द मेकर ऑफ द सिविलाइजेशन वाज द द्राविडियन. तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये जो है द्राविडियन थे और ये जो है कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था किसका, मेसोपोटामिया का, इजिप्ट का और चाइना. मैंने अभी बताया था मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना सिविलाइजेशन के बारे में बताया था आप लोगों को, ठीक है, जो अभी जिन जो कंटेम्प्रेरी मतलब सिमिलर सिविलाइजेशन एट ए टाइम चल रहा. उसके बाद देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का, देखिए चारों तरफ कौन कौन सा, ये क्वेश्चन देखो, ये प्रीलिम्स में आने का बहुत पॉसिबिलिटीज होते हैं ऐसे सवाल, ठीक है, ऐसे सवाल आके आपको कंफ्यूज करते हैं. बट ये सब इजी होता है, आप ध्यान रखोगे तो चीजें जो है पकड़ा जाएगा. अब देखो सबसे जो है मैं ध्यान देता हूं कि जो है नॉर्दर्न मोस्ट साइड में कौन सा था, नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ इंडस वैली, ये जो है बात हो रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात, आईबीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो नॉर्दर्न मोस्ट साइड में कौन क्या था बेटा, रोपर था, दैट इज इन पंजाब. देन मंडा था, दैट इज इन जम्मू कश्मीर. तो ध्यान रखना रोपर पंजाब और मंडा जम्मू कश्मीर. साउदर्न मोस्ट साइड में क्या था बेटा, साउदर्न मोस्ट साइड है स्टेट है गुजरात और महाराष्ट्र, वो है भगत राव, दैट इज इन गुजरात, और दैमाबाद, दैट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है. और ईस्टर्न साइड में क्या था बेटा, आलमगिरीपुर, दैट इज इन यूपी. और वेस्टर्न मोस्ट साइड में देखो सुटका गंडोर, दैट इज इन पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर. तो ये याद रखने वाला चीज है, नॉर्दर्न साइड में क्या था, रोपर और मंडा. रोपर पंजाब में है और मंडा जम्मू कश्मीर में. साउदर्न मोस्ट साइड में भगत राव, दैट इज इन गुजरात, एंड दैमाबाद महाराष्ट्र. आलमगिरीपुर था यूपी, जो है ईस्टर्न मोस्ट साइड में, और सुटका गंडोर पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर जो है वेस्टर्न साइड. तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको, जरूरी है कि नॉर्थ साइड में कौन सा था, साउथ में कौन सा था, ईस्ट में कौन सा था, वेस्ट में कौन सा था. क्लियर है बेटा? अब देखो कैपिटल सिटी, जो राजधानी जो थे, एक है हड़प्पा था और एक है मोहनजोदड़ो. और जो पोर्ट सिटी, जो कैपिटल सिटी सॉरी पोर्ट सिटी बंदरगाह जहां पे थे, आप देख सकते हो पिक्चर यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है पिक्चर. तो वो पोर्ट सिटी जो थे लोथल, सुटका गंडो, अलादिनो, बालाकोट एंड कुंटसी. तो पोर्ट सिटी पूछे जाएंगे यहाँ पर भी प्रीलिम्स में, कौन सा जो है पोर्ट सिटी है या कौन सा पोर्ट सिटी नहीं है, ठीक है. तो पोर्ट सिटी आर लोथल, सुटका गंडोर, अलादिनो, बालाकोट एंड कुंटसी. क्लियर है पॉइंट? ये सब चीजें याद रखना है आप लोगों को. और अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है, तो बेटा होगा मोहनजोदड़ो, और ये है पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं. और सेकंड लार्जेस्ट साइट अगर पूछा जाए तो हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान, ठीक है. तो सबसे लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे लार्जेस्ट साइट क्या है, वो पहला नंबर साइट पे क्या है, मोहनजोदड़ो, ठीक है, वो पाकिस्तान में है. सेकेंड लार्जेस्ट साइट भी पूछा जाए तो बेटा इंडस वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन,
ये भी बेटा पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में, क्लियर है। बट अगर पूछा जाए कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा है, तो वो होगा राखीगढ़ी होगा। इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा है अगर पूछा जाए, तो वो होगा राखीगढ़ी, क्लियर है। अब देखो कॉमन फीचर्स ऑफ मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट आर द कॉमन फीचर्स, ठीक है। वहां पर क्या होता था, ग्रिड सिस्टम हुआ था, सारे जो है बर्नड ब्रिक से बने थे, जो जितने भी कंस्ट्रक्शन, चाहे रास्ता हो, चाहे आपकी टंकी हो, चाहे जो रिजर्वर हो, वाटर रिजर्व, सब जो है ईंट से बनते थे, ब्रिक बर्नड ईंट से बनते थे। और उस टाइम पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाज देयर, बिग वाटर रिजर्व धोलावीरा में था, मतलब हर एक घर से जो है अंडरग्राउंड कनेक्टेड था ड्रेनेज सिस्टम, कितना बढ़िया चीज है। देन सिटाडेल, चानूदारों को छोड़ के बाकी सब जगह जो है सिटाडेल था, सिटाडेल का मतलब फोर्ट एक तरफ से। तो वहां पर देख सकते हो कॉमन फीचर्स ऑफ द मेजर सिटीज आर सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, लाइन ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक है। और उस टाइम पे जो थे इस प्रकार से थे, देखो जैसे कि इस प्रकार से है, ये सब रास्ता होता था, फिर उसको ऐसे कट कट होती थी रास्ता, ऐसे कट होता था, मतलब 90 डिग्री में कट होता था, और यहाँ पर जो है घर वगैरह होते थे चारों तरफ, मतलब पूरा प्लानिंग के हिसाब से, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर घर, जैसे कि आप भुवनेश्वर गए हो कभी, भुवनेश्वर, तो ये जो है प्लानिंग सिटी है, सबसे स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ है, भुवनेश्वर है, जयपुर है, ये सब प्लानिंग सिटी है। तो उस टाइम पे वेरी प्लानिंग टाउन वॉज वेरी प्लान। अब जैसे कि कटक की बात करूँ, अब दिल्ली की बात करूँ, मुंबई की, यहाँ पर शहर पहले हुआ था कोलकाता के, बाद में लोग आए थे, मतलब लोग पहले आए थे, उसके बाद धीरे धीरे शहर बना था। कटक है, देन कोलकाता है, दिल्ली है, बट ये भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, यहाँ सब क्या है, पहले प्लान हुआ था, उसके बाद लोग आए थे, दैट्स व्हाई दिस आर द प्लानिंग सिटी। एंड दे यूज द बर्नड ब्रिक, ईंट, ठीक है, एंड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वाज देयर। तो ये उस टाइम की सबसे बड़ी, आज के डेट में दिल्ली मुंबई में थोड़ा सा एक दो घंटा बारिश हो जाती है तो बेटा पूरा पानी जो है नीज तक हो जाते हैं, समझ रहे हो चीजें। तो उस टाइम पे पूरा हर एक घर से, मतलब ड्रेनेज सिस्टम आज तक भी हम लोग का सिस्टमेटिक नहीं है, बट उस टाइम पे हर एक घर से कनेक्टेड था। और उस टाइम पे बिग वाटर रिजर्व था धोलावीरा, और फोर्टिफाइड सिटाडेल, मतलब फोर्ट तरह था, एक्सेप्ट चानूदारों को छोड़ के बाकी जगह पे था, क्लियर है। सुरकोटाडा कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सुरकोटाडा जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में थे, एंड द ओनली इंडस साइट वेयर द रिमेन ऑफ हॉर्स हैव ऑलरेडी फाउंड, ठीक है। सुरकोटाडा में रिमेन ऑफ हॉर्स पाया गया था। और उस टाइम पे जो मेन क्रॉप थे कौन कौन सा था, गेहूं, राइस, डेट्स, कॉटन, बार्ली, मस्टर्ड एंड सिसामस। तो दीज आर द थिंग्स, गेहूं, चावल, डेट्स, कॉटन, बार्ली, मस्टर्ड एंड सिसामस, ये सब जो है उस टाइम पे पाया गया था। और अगर पूछा जाए कि कॉटन प्रोड्यूसर के मामले में वर्ल्ड में कौन जो है सबसे पहले कॉटन का प्रोड्यूस किए थे, फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन कौन होंगे, इंडस पीपल होंगे। ये चीजें ध्यान रखना कि इंडस पीपल वर द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड, कॉटन का सबसे पहले उत्पादन करने वाले जो थे वो है इंडस पीपल थे, ठीक है। और पॉपुलेशन की मैं बात करूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन की बात करूं, तो वो कुछ लोग मंगोलॉइड्स थे, कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड थे जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, और कुछ लोग जो है मेडिटेरियन। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन था, मंगोलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मेडिटेरियन। और आईबीसी बिलोंग टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको हम लोग ब्रोंज एज और चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है, ब्रोंज एज, ध्यान रखना, ब्रोंज एज, और जिसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। देखो एज के बारे में बात करूं, सबसे पुराना है स्टोन एज, जिसमें धातु के बारे में उनको नहीं पता था, उसके बाद सबसे पहला धातु जो इस्तेमाल किया गया था कॉपर, देन ब्रोंज। तो ध्यान रखना आयरन का इस्तेमाल वो लोग को नहीं जानते थे, दे डजंट नो अबाउट द आयरन, उसके बाद जो है आयरन। तो ये यहां पर एक प्रीलिम में एक्सटेंडेड क्वेश्चन यहां से भी पुटअप हो सकता है, ध्यान रखना कि सबसे पहला एज क्या है, वो होगा स्टोन एज, स्टोन जो है सबसे फर्स्ट एज में है। दूसरा क्या है, कौन सा धातु का सबसे इस्तेमाल करना इंसान जो है पहले सीखा था, वो होगा कॉपर, कॉपर का सीखा था। और इंडस टाइम पे कौन सा एज था, इंडस टाइम पे ब्रोंज। और किसके बारे में उनको नॉलेज नहीं था, आयरन के बारे में।
दे डजंट हैव नॉलेज अबाउट द आयरन. ये चीज ध्यान रखना. तो सबसे पुराना जो एज है उसको स्टोन एज कहा जाता है. पहला धातु इंसान जो सीखा था वो है कॉपर, और इंडस 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 पीरियड जो था वो है ब्रोंज, और आयरन के बारे में उसको नॉलेज नहीं था. ये चार क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ध्यान रखना, चार क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. और फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कौन थे? इंडस. और मंगोलॉइड्स प्रोटो ऑस्ट्रेलियन और मेडिटेरियन थे वो लोग, ठीक है, क्लियर है पॉइंट. देन अच्छा एक चीज देखो, एनिमल्स क्या क्या पाया गया था उस टाइम पे. देखो पहला चीज तो ये याद रखना, लायन वॉज नॉट नोन टू देम. लायन के बारे में कोई एविडेंस उस टाइम पे नहीं था. बट उसके अलावा देखो, शीप वॉज देयर, गोट वॉज देयर, बुल वॉज देयर, बफालो, डॉग, टाइगर. कुत्ता जो है बेटा हर एक जमाना में रहा है, लेकिन वफादार है ये कुत्ता. कैट, पिग, डियर, टॉर्टोइस, एलिफेंट, कैमल एंड राइनो. एक कुत्ता से मुझे याद आया, पहले जमाने के लोग कुत्ता को इसलिए रखते थे कि इंसान का प्रोटेक्शन करे, है ना, घर के बाहर रखते थे. अब जो है इंसान घर के बाहर रहता है, कुत्ता को अपना अच्छा से खाना, अच्छा से परवरिश किया जाता है और कुत्ता का टेक केयर किया जाता है. पहले जो है कुत्ता बाहर में हुआ करता था और इंसान को प्रोटेक्शन करता था, अब जो है कुत्ता को प्रोटेक्शन करते. देखते हो ना बहुत अमीर लोग सब पार्क में कुत्ता को लेकर टहलते रहते हैं. अपने आप का सेहत का ध्यान नहीं है उतना, कुत्ता का सेहत का ध्यान है. कुत्ता क्या खाएगा, कुत्ता का मेडिसिन क्या, और देट कुत्ता का जो फूड है, जो मेडिसिन है, इट मोस्ट मोर एक्सपेंसिव देन ह्यूमन. इंसान के लिए जो मेडिसिन मिलता है, कुत्ता का मेडिसिन 10 times ज़्यादा है. हम जो खाना खाते हैं, कुत्ता का जो खाना है ज़्यादा एक्सपेंसिव है, समझ रहे चीज़ें. उसको घर में पैम्पर किया जाता है, रखा जाता है अच्छा से, पहले ज़माने में बाहर में रखा. तो ये चेंज हो गया सिस्टम. एनीवे, तो लायन वॉज नॉट नोन टू देम, क्लियर है. देखो आप देख सकते हो, गेंडा, एलिफेंट, ठीक है, क्रोकोडाइल्स. ऑलराइट, ठीक है. सो अब देखो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में. नाउ विल डिस्कस अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स. तो देयर वॉज एक्सटेंसिव रीजनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, ठीक है. एक्सटेंसिव रीजनल ट्रेड भी चल रहा था और फॉरेन ट्रेड भी चल रहा था. और फॉरेन ट्रेड विद किसके साथ? मेसोपोटामिया के साथ और सुमेरियन के साथ, जो कि मॉडर्न इराक है, और जो है बहरेन के साथ. और एक्सपोर्ट कौन कौन सा चीज करते थे? देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे. कॉटन, कॉटन के लिए तो इंडस फेमस ही थे, कॉटन. टेरेकोटा फिगर्स, जो मतलब चाइना मिट्टी टाइप चीजें हुआ करती थी. पॉटरी, आइवरी प्रोडक्ट्स, तो ये सब चीजें जो है एक्सपोर्ट करते थे. ध्यान रखना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, टेरेकोटा, आइवरी, पॉटरी, कॉटन, ये सब. और ये चीजें याद रखना, अभी मैंने बताया था आयरन वॉज नॉट नोन टू द इंडस पीपल. आयरन के बारे में वो नहीं जानते थे, क्लियर है. एंड दे यूज गोल्ड, कॉपर एंड ब्रोंज, ठीक है. दे यूज गोल्ड, कॉपर एंड ब्रोंज. एंड सूरा आदर मेसोपोटामिया प्लेसेस वेयर द हरप्पान सिल्वर फॉर्म. एंड एज देयर वॉज नो एविडेंस ऑफ द कॉइन, कॉइन का कोई एविडेंस नहीं है, तो ये गैस किया जा रहा है कि उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चल रहा था. बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, चीजों का अदल बदल रहा है बार्टर. फॉर एग्जाम्पल, मैं गेहूं का उत्पादन कर रहा हूँ, आप जो है चावल का कर रहे हो, तो चावल आप मुझे दोगे, उसके बदले में मैं गेहूँ दूंगा. ये चीजों का अदल बदल, एक्सचेंज ऑफ द गुड, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम, ठीक है. और लोथल जो है एंशिएंट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक एंशिएंट पार्ट है. और ये जो है बंदरगाह भी है, ठीक है, ये जो है पोर्ट भी है लोथल, ठीक है, गुजरात में है. दिस इज इन गुजरात, गुजरात में. एंड द आईवीसी वाज प्राइमरीली अर्बन सिविलाइजेशन. मैंने बताया था अभी आप लोगों को, बताया था कि दुनिया का जितने सिविलाइजेशन हुआ था, सबसे अर्बन, सबसे मोस्ट अर्बन सिविलाइजेशन अगर पूछा जाए, कि सबसे ज्यादा अर्बन सिविलाइजेशन और मोस्ट डेवलप सिविलाइजेशन पूछा जाए, तो बेटा वो होगा हम लोगों का सिविलाइजेशन आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. देयर वाज नो क्लियर कट एविडेंस ऑफ द नेचर ऑफ द पॉलिटी. इट सीम्स दैट द रूलिंग अथॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज क्लास ऑफ मार्चेंट, ठीक है. कोई क्लियर कट एविडेंस तो नहीं है, बट ये माना गया कि क्लास ऑफ मार्चेंट वर्क, ठीक है. अब थोड़ा सा देख लो जो मैंने आप लोगों को बताया था, हालांकि अभी बताया था कि चार प्रकार का सिविलाइजेशन है. एक है मेसोपोटामिया, एक है इजिप्ट, एक है हरप्पा और एक है चाइनीज. मॉडर्न एरिया इराक, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना.
रिवर्स है टाइग्रिस यूफ्रेटस नील इंडस यांगो। टाइम पीरियड देखो 4000 से लेकर 6 सेंचुरी, 3400 बीसी से लेकर 1000 बीसी, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी और 1765 से लेकर 250 बीसी। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट साइट्स, ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, कौन सा साइट में क्या चीजें पाया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये चीजें ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आता है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट 30 सेकंड ब्रेक, देन आई विल कम एंड आई विल स्टार्ट द सेशन, ठीक है। Yes. Okay, now we'll discuss about the Now we'll discuss about the most important sites. कौन कौन सा sites है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो site है Indus Valley Civilization का वो है हरप्पा site है, और हरप्पा जो है Indus Valley Civilization का जो है capital city है। हरप्पा is the capital city of Indus Valley Civilization, ठीक है। तो this is found in 1921 by Dayaram Sahani, ठीक है। अभी जो मैं बताऊंगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो जो मेन मेन चीजें हैं, जहां जहां से क्वेश्चन पुटअप होती है, और मैं बता दूं इंपॉर्टेंट साइट में से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होती है, और आप सबको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो डाटाज है मैं वही चीजें सब लिखा हूँ, नोट्स बनाया हूँ स्पेशली जो आपके रिलीवेंट है और जो पूछे जाएंगे और याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट फाउंड इन 1921 बाय दयाराम साहनी, और ये कहां पर पाया जाता है बेटा, नियर द साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ऑन द रिवर बैंक ऑफ रवि, रवि रिवर के साइड में पाया जाता है। और यहां पर जो फेमस चीज है ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्न भंडार। विशाल अन्न भंडार का खासियत ये है कि कभी भी जो है फूड का अगर शॉर्टेज हो तो यहां पर स्टोर के हिसाब से रखा जाता था, जब भी जरूरत होने पर उसको जो है यूज की जाती थी। इसी चक्कर में विशाल अन्न भंडार, जिसको ग्रेट ग्रेनरी भी कहा जाता है, जिसका 169 फीट और इंटू 35 फीट था, तो 169 इंटू 35 फीट वाला ये था, बड़ा था।
नेकेड सैंड स्टोन टॉर्सो पाया गया था, एक नग्न मूर्ति पाया गया था, नेकेड स्टेचू पाया गया था, व्हिच जो ये माना जाता है कि शायद ये जैनिज्म का सिंबल हो सकता है, व्हिच वाज आल्सो गिव द ट्रेसेस ऑफ जैनिज्म, क्योंकि जैनिज्म में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है दिगंबर, आप लोगों को पता होगा जैनिज्म में एक है दिगंबर और एक क्या है श्वेतांबर, श्वेतांबर श्वेत वस्त्रधारी और दिगंबर क्या है कुछ न्यूडिटी इज द प्यूरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ, द थिंग दैट कि कंप्लीटली नेकेड होते हैं, नग्न होते हैं, न्यूडिटी इज द प्यूरिटी फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये जो नेकेड मूर्ति पाया गया था तो इसलिए कहा जाता है कि व्हिच आल्सो गिव इट द ट्रेसेस ऑफ द जैनिज्म। अब देखो स्टोन सिंबल ऑफ फीमेल जेनिटल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, तो जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है योनि है उसका जो है मूर्ति पाया गया था, तो उस टाइम पे मैंने बताया भी था उनको जो है पूजा करते थे। देन सिंगल रूम बैरक, सिंगल रूम बैरक मतलब एक जेल टाइप दो चीजें पाया गया था, तो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि शायद कोई गलत काम करता था उसको वहां पे जेल में डाला जाता था। तो ये है अबाउट द हड़प्पा। अब देखो अगला जो इंपॉर्टेंट साइट है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इज महेंजोदारो, और महेंजोदारो जो है बेटा मैं बता दूं उसको जो है माउंट ऑफ द डेड कहा जाता है, मतलब मौत का टीला भी कहा जाता है, माउंट ऑफ द डेड, बट एनीवे तो ये द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑल्सो द कैपिटल सिटी। अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट कौन सा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो बेटा ये होगा, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट साइट, क्लियर है। तो ये देख सकते हो आप, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल, ये कैपिटल सिटी था, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए फर्स्ट है कि फाउंडेड इन द ईयर 1921 में, ठीक है, 1921 में किसने, आर डी बनर्जी ने, ठीक है, एंड सिचुएटेड इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, कहाँ पे, पाकिस्तान में, और कौन सा रिवर के साइड में, देखो रिवर बैंक ऑफ इंडस, इंडस रिवर के साइड में। उसके साथ साथ देखो महेंजोदारो का मतलब क्या है, डिराइव फ्रॉम ए सिंध वर्ड, सिंध वर्ड से लिया गया है, यह है माउंट ऑफ द डेड, मौत का टीला, और यहाँ पर सबसे खासियत क्या है, ये ग्रेट, ए ग्रेट बाथ वॉज फाउंड, ए ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ वॉज फाउंड, ठीक है, मतलब एक विशाल स्नानगार पाया गया था, ग्रेट बाथ, जहां पर जो है एक तरफ से जैसे कि गंगा स्नान होती है उस प्रकार से सब लोग एक साथ नहाते थे, और एक चीज पाया गया था मल्टीपिलर असेंबली हॉल पाया गया था, ठीक है, मल्टीपिलर असेंबली हॉल मतलब बहुत कम स्तंभ वाले जो है असेंबली हॉल पाया गया था, क्लियर है, उस टाइम पे देख सकते हो आप यहाँ पे। उसके साथ देखो एक प्लेसेस ऑफ ओवन क्लॉथेस पाया गया था, भुना हुआ कपड़ा, देन एक स्टेम्पल सील एंड इमेज ऑफ पशुपति महादेव, पशुपति महादेव मैंने बताया था, पशुपति महादेव जिनको जो है मेल गॉड के हिसाब से जाने जाते हैं, पशुपति महादेव, वो चीजें पाया गया था, ठीक है, एंड स्टेचू पशुपति महादेव जो है शिवजी, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, उनको कहा जाता है प्रोटो शिवा, प्रोटो शिवा, उनको शिवजी से कंपेयर किया जाता है ना। एंड उसके बाद है स्टेचू ऑफ बियर्डेड मैन, ठीक है, एक दाढ़ी वाला इंसान, दाढ़ी वाला इंसान, ठीक है। एंड उसके साथ साथ कि एविडेंस ऑफ द डायरेक्ट ट्रेड रिलेशनशिप विद द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, यहां पर एविडेंस पाया गया था जो कि ये सिंबलाइज करता है कि ये लोग डायरेक्टली ट्रेड कर रहे थे किससे, दूसरे सिविलाइजेशन से, मेसोपोटामिया से, एंड दैट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट एडवांस सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने बताया था कि सबसे अर्बन सिविलाइजेशन तो हम लोग का था ही, उसके साथ साथ जो महेंजोदारो था वो सबसे बड़ा था, कैपिटल सिटी भी था और मोस्ट एडवांस सिटी भी था, एंड रोड्स वेर वाइड एंड स्ट्रेट। देखो मैंने बताया था रोड किस प्रकार से कनेक्ट हुआ करते थे, इस प्रकार से रोड कनेक्ट होते थे, ठीक है, इस डायरेक्शन से रोड कनेक्ट होते थे 90 डिग्री में, ठीक है, एंड द रोड रन इन द अदर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड दे कॉट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मैंने बताया था दे कॉट ईच अदर राइट एंगल्स, आप यहाँ पर भी देख सकते हो पिक्चर्स, ठीक है, महेंजोदारो का। अब जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट जो है उसको हम लोग कालीबंगा कहते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट इज दैट इज नोन एज कालीबंगा, ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है कालीबंगा। एंड इन 1953
कालीबंगा वॉज फाउंडेड बाय अमलानंद घोष, उसको फाउंड किसने किए थे, अमलानंद घोष, और ये कहां पे, दैट इज हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, राजस्थान में है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। एंड जो रिवर्स है वो रिवर है घाघरा रिवर के साइड में है। और देखो कालीबंगा, काली का मतलब क्या है, ब्लैक्स, ब्लैक काली काला, बेंगल्स का मतलब क्या है, ठीक है, बंगा का मतलब बेंगल्स से है, बंगा ब्लैक बेंगल्स, ठीक है, तो काली चूड़ी, चूड़ी से है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है, प्लाउड फील्ड, जूता गया जो है फील्ड पाया गया था, खेत पाया गया था यहाँ पर। उसके बाद देखो वुडन, वुडन व्हील पाया गया था यहाँ पर, वॉज फाउंड, इट मीन्स दे यूज द बुलक काट, ये सिंबलाइज करता है कि बुलक काट का इस्तेमाल करते थे। उसके साथ साथ बोन ऑफ कैमल्स, कैमल्स ठीक है, ऊंट, ऊंट की हड्डी। उसके साथ साथ टिल्टेड फ्लोर विच हैज डिजाइन ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल, जैसे कि जो ऑडी का सिंबल होता है ना, इस प्रकार से आप देख सकते हो ऑडी का सिंबल, आप देख सकते हो पिक्चर में है ना, इस प्रकार से टिल्टेड फ्लोर, ठीक है, इंटरसेक्टिंग सर्कल के हिसाब से पाया गया था। एंड हरप्पा हेड, हेड विथ लॉन्ग ओवल आईज, मतलब आईज जो है बड़ा बड़ा, एंड थिक लोअर लिप, और लोअर लिप जो है मोटा सा। एंड यहाँ पर देखो बरियल में, यहाँ पर एक अजीब चीज पाया गया था कि टू टाइप ऑफ बरियल था, एक है सर्कुलर एक है रेक्टेंगुलर, तो जो दफनाया जाता था दो प्रकार से, एक है इस तरह से, एक थे इस तरफ से सर्कुलर, और एक जो था पूरा रेक्टेंगुलर था, रेक्टेंगुलर था। अब ये कंफ्यूजन में है कि किसको जो है सर्कुलर ग्रेव में दफनाया जाता था और किसको जो है रेक्टेंगुलर ग्रेव में दफनाया जाता था। अब कहना ये मुश्किल होगा कि कुछ स्पेशल लोग को जो है रेक्टेंगुलर में और आम लोगों को जो है सर्कुलर ग्रेव में, या फिर उल्टा हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, बट ये अब तक कोई एविडेंस नहीं मिला कि क्यों ऐसे किया जाता था। बट हालांकि दो प्रकार का पाया जाता था, एक रेक्टेंगुलर एक है सर्कुलर ग्रेव, ठीक है। अब अगला साइट जो है बेटा वो है इंपॉर्टेंट साइट है चानोदारो, दैट इज नोन एज चानोदारो, और ये डिस्कवर हुआ था 1931 में बाय एम जी मौजमदार, और ये कहाँ पे पाया जाता है, सिंध प्रोविंसेस, दैट इज इन पाकिस्तान, और ये जो है ईस्टर्न साइड ऑफ रिवर इंडस, इंडस के साइड में है। और यहाँ पर तीन टाइप ऑफ डिफरेंट कल्चर पाया जाता था, तीन टाइप, एक है इंडस कल्चर, एक है झुकर कल्चर, एक है झांगर कल्चर, इंडस झुकर एंड झंगर कल्चर। एंड इट वॉज द ओनली सिटी ऑफ आई बी सी विदाउट सिटाडेल, सिटाडेल दिस वॉज द ओनली, मतलब सिटाडेल मतलब एक तरह से सील जहां पर बनते थे, तो चानोदारो इज द ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल। और ड्यूरिंग द एक्साबिशन ऑफ द एक्साबिशन ए स्मॉल पॉट को क्या क्या चीजें पाई गई थी, स्मॉल पॉट पाया गया था, बुलक काट पाया गया था, इकास, इकास मतलब टांगा पाया गया था, फुटप्रिंट ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट का फुटप्रिंट, फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग द कैट, मतलब कुत्ता जो है चेज करता हुआ, कैट को चेज करता हुआ फुटप्रिंट पाया गया था, ठीक है, ये चानोदारों में। उसके बाद अगला जो साइट था बेटा वो लोथल था, अगला जो साइट था लोथल, एंड लोथल जो है 1975 में डिस्कवर हुआ था, किसके द्वारा, एस आर राव के द्वारा। एंड ये कहाँ पर है, गल्फ ऑफ कंबत में है, दैट इज इन गुजरात, ठीक है, समुद्र के पास, और यहां पर पाया गया था आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, डॉकयार्ड आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, ये सिंबलाइज करता है कि देयर वाज ए ट्रेड रिलेशनशिप, बंदरगाह, आर्टिफिशियल बंदरगाह पाया गया था, तो ऑब्वियसली बात है ट्रेड रिलेशनशिप दूसरे कंट्री के साथ होगा ही होगा। इट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट ऑफ द आईपीसी, लोथल मैंने बताया था, ये कहाँ पे है, गुजरात में है, सबसे इंपोर्टेंट साइट है, पोर्ट है। एंड बोट मेड ऑफ टेरेकोटा, बोट जो बना था मेड ऑफ टेरेकोटा वॉज फाउंड विच प्रूवन दैट दे हैव द ट्रेड ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद अदर सिविलाइजेशन, तो डॉकयार्ड पाया गया है, पोर्ट शहर, बोट पाया गया, उसका मतलब क्या है, तो दूसरे जो सिविलाइजेशन थे उनके साथ साथ, उसके साथ ये लोग बिजनेस करते थे, है ना। उसके साथ देखो यहाँ पर पाया गया था राइस ग्रेनरी, राइस ग्रेनरी वॉज फाउंड एट रंगपुर नियर अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। एंड टेरेकोटा स्टेचू ऑफ हॉर्स, हॉर्स का टेरेकोटा फिगर पाया गया था, एंड सील विच हैज डिजाइन ऑफ शिप, एक शिप पाया गया था, शिप, ठीक है, एक सील पाया गया था जो कि डिजाइन था, शिप का डिजाइन था, और एक कंपास, एक कंपास पाया गया था जो कि आज मतलब जैसे कि मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि डिग्री एंगल्स वगैरह मेजरमेंट करने का इंस्ट्रूमेंट, एक कंपास टाइप चीजें पाया गया था उस टाइम पे।
एंड यहां पर एक अजीब चीज देखा गया था कि डबल बरियल मतलब दोनों को एक साथ दफनाया जाता था, मेल और फीमेल को। तो ये जो है, अगर मेल और फीमेल को एक साथ क्यों दफनाया गया था? ऐसा हो सकता है कि दोनों लवर थे, ऐसा हो सकता है कि दोनों शादी करके एलोपमेंट चले गए थे, या पकड़ के मार दिया हो कुछ भी, या फिर प्रेमी जुगल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो या फिर सती प्रथा उस टाइम पे चलता हो, हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ, तो उस टाइम पे एविडेंस ऑफ द डबल बरियल पाया गया था, वॉज फाउंड दैट इज मेल और फीमेल वर फाउंड इन द सिंगल ग्रेव विच ऑल्सो ट्रेसेस द सती प्रैक्टिस, जो शायद जो है सती प्रथा का सिंबलाइज करता था। एंड एविडेंस ऑफ चेस लाइक गेम, तो चेस के प्रकार का गेम पाया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि 1975 एस आर राव गल्फ ऑफ कंबत में है, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, टेरेकोटा बोट, ग्राइस ग्रेनरी, देन टेरेकोटा स्टेच्यू ऑफ हॉर्स, कंपास, देन शील विद द शिप, डबल बरियल एंड चेस लाइक गेम पाया गया था, क्लियर है। अब देखो अगला जो साइट है बेटा, दैट इज रोपर। रोपर जो है 1953 में हुआ था, और ये है वाईडी शर्मा ने किए थे, और ये कहाँ पर है? पंजाब में है। एक्सावेशन पॉटरी ऑर्नामेंट कॉपर एक्सेस एंड स्ट्रेंज बरियल वॉज फाउंड देयर, ए डेड बॉडी ऑफ डॉग विद फाउंड डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बींग। तो यहाँ पर देखो ह्यूमन बींग के साथ प्लस डग कुत्ता को, तो ह्यूमन बींग के साथ जो डॉग को एक साथ बरियल, देखो पहले में हमने पढ़ा था, यहाँ पर देख लो आप, ठीक है, डबल बरियल पा गया था, ये किसके बीच में? मेल और फीमेल, ये तो समझ में आता है चलो, बट यहाँ पर ये कैसा हो सकता है कि ह्यूमन बींग के साथ कुत्ते को जो है दफनाया गया था? तो शायद जो है पेट डॉग हो सकता है, शायद उनमें मतलब वो लोग उसको मानते थे, ऐसा कुछ भी हो सकता है रीज़न, बट अब तक कोई रीज़न पाया नहीं गया, बट यहाँ पर एक स्ट्रेंज बरियल ह्यूमन बींग के साथ कुत्ता को जो है दफनाया गया था। उसके बाद जो है बनवाली, दैट इज इन द ईयर 1973 में पाया गया था, आरएस रिस्ट, और ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, और यहाँ पर पाया गया था ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड एंड पार्ली पाया गया था, एंड ए टेरेकोटा प्लॉग, टेरेकोटा से मतलब जोतने वाला चीज वॉज फाउंड हियर, ठीक है, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हियर। उसके बाद देखो सरकोटाड़ा जो है 1964 में पाया गया था, और जगतपाल जोशी एंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, यहाँ पर हॉर्सेस बोन पाया गया था। एंड उसके बाद जो है धोलावीरा कब? 1967। सरकोटाड़ा कब? 1964, ठीक है। तो ये भी जगतपाल कोशी, दोनों का ही है जगतपाल कोशी। देखो ये भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है, ठीक है, ये भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और यहाँ पर पाया गया था वाटर रिजर्व वॉज फाउंड हियर, ठीक है, एविडेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब जरूरत पड़ने पर पानी को सेव रखा जाता था ताकि जो है जरूरत पड़ने पर उसको किया जाए। अब देखो अब बात आती है कि कॉजेज ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना डेवलप था, अचानक से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है पतन क्यों हो गया? हालांकि पतन के बारे में डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अलग अलग राइटर का अलग अलग व्यूज है रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि कुछ लोग ये मानते हैं कि वहाँ पर जो नाइवरिंग डेजर्ट था उसका सलिनिटी मात्रा, नमक का मात्रा बढ़ गया था, जिसको खाने में उनको दिक्कत हुई थी। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, या फिर फ्लड या फेमन या सुनामी जैसा चीज आया होगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ एपिडेमिक्स आया था, जैसे कि आज के डेट में कोरोना है, जैसे कि स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा या पहले जो हुआ करते थे। और कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्यन रेस जो है डेवलप रेस थे, वो लोग आके एक एक को पकड़ पकड़ के मार दिया था। कुछ लोग मानते हैं कि वहाँ पर मतलब सॉयल में फर्टिलिटी कम हो गई थी, सॉयल का फर्टिलिटी कम होने की वजह से वो लोग मतलब प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे, उनका डेथ हो गया था। हालांकि अब तक 100% पता नहीं चला कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन में डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज। देखिए कुछ लोग मानते हैं ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, कुछ लोग मानते हैं ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ सेलिनिटी फ्रॉम द नेबरिंग डेजर्ट, कुछ लोग मानते हैं ड्यू टू द नेचुरल कलामिटीज सच एज अर्थक्वेक फ्लड एंड फेमाइन, और कुछ लोग मानते हैं कि आर्यन ठीक है, आर्यन विद द एडवांस रेस केम एंड डिस्ट्रॉय द आईबीपी। सो व्हाटएवर मे बी, तो डिफरेंट हिस्टोरियन हैव डिफरेंट व्यूज
regarding the decline of इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्लियर है पॉइंट? तो एक चीज मैं बता दूं, देखिए तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का. अभी मैं एक दो मिनट के बाद आप लोगों को क्वेश्चन पुटअप करूंगा जो चीजें मैंने पढ़ाया है, और आप लोग जो है मैसेज में आंसर दोगे. ये मत सोचना कि आप लोग बाद में आंसर दे दोगे, पहले देख लेते हैं. आप लोग इंस्टेंटली दे दो जो चीजें आपको पता है, जो चीजें समझ में आए, ठीक है? तब जाके पता चलेगा कि आप कितना सही कह रहे हो, ठीक है? सो दिस इज माई नंबर फर्स्ट. यू कैन कॉल मी इन बिटवीन 1 to 2 PM. अगर एडमिशन लेना हो, कोई क्वेरीज है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, या फिर ऑप्शनल क्या रखना है कुछ भी चीज़ों में, ठीक है, व्हाट्सएप कभी भी कॉल कर सकते हो. एंड ये टेलीग्राम ऐप है, और यू कैन ज्वाइन इन फेसबुक एंड इंस्टा ऑल्सो. देन यस, वेल दिस इज अबाउट मी. एंड देखो, स्पेशल क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. ये कम्प्लीटली फ्री क्लास मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. कहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ? अनअकेडमी ऐप में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. कम्प्लीटली फ्री क्लास है. और जैसे कि आप लोग बोलते रहते हो यार हमेशा कि PDF सर, PDF, PDF, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको PDF जो है फ्रीली मिल जाएगा. टोटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्रीली PDF मिल जाएगा. आप वहाँ पर जाके जो है PDF का डाउनलोड कर सकते हैं. और मैंने कोशिश क्या किया है, देखिए 14 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक अनअकेडमी ऐप में ये 60 डेज के अंदर मैं 4 सब्जेक्ट को कम्प्लीट कर रहा हूँ. हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, जो आपका UPSC, CSC और मेंस को कवर करेगा. उसके साथ साथ जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो SSC का एग्जाम दे रहे हो, जो CDS या NDA का दे रहे हो, उनके लिए तो पूरा सफिशियंट से भी ज़्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखना. तो उसका टाइमिंग भी बहुत सिंपल मैंने रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. एक है सुबह में 9 से 10 और 10 से 11, मॉर्निंग में 9 से 10 और 10 से 11, और एक है इवनिंग में 9 से 10 एंड 10 से 11. सेम टाइमिंग, मतलब मॉर्निंग में 9 to 10 और 10 to 11, और इवनिंग का भी सेम टाइम है, जिसमें PDF फ्री होगा, सारे क्लासेस फ्री होंगे. और तो 10 से 11 जो होगा अब की बार UPSC पार, और 10 से 11 PM जो होगा 20 खत्म. देखो, और एक चीज़ है, गोल्डन ट्रिक्स मैं लेके आया हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने 108 गोल्डन ट्रिक जो है दे दूँ, सारे चीज़ों को कवर करके. हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में कुछ गोल्डन ट्रिक्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, और कुछ जो है होने वाला है, ठीक है. और एक सीरीज लेके आया हूँ, अब की बार UPSC पार. आप देखो, जो लोग UPSC पार कर चुके हैं, दे आर मोस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं YouTube में, और सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं उन लोगों को. आप लोग जानते होंगे रोमन साइनी सर, देन टीना धाबी मैम, और दे आर द पर्सन, दे आर वेरी फेमस. देखिए, प्रधानमंत्री खुद आके फ़ोटो ले रहे हैं, प्रेसिडेंट जी खुद आके फोटो ले रहे हैं. तो ये तभी पॉसिबल है जब आप जो है UPSC क्लियर करोगे और मसूरी जाओगे. दिस इज द ब्यूटीफुल प्लेस मसूरी. देखिए कितना मज़ा आएगा, वहाँ पर जाके ट्रेनिंग लोगे, पढ़ाई करोगे, वहाँ पर फिर प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट आएंगे. बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत इस लेवल पे करें कि अब जो है UPSC पार हो जाए. क्लियर है? तो इसीलिए मैंने नाम दिया है अब की बार UPSC पार, और फिर नहीं करना है कुछ, फोकस्ड करना है. तो ये जो है मैं स्टार्ट किया हूँ 10 बजे, 10:10 AM पे. देखिए, आइए अब की बार UPSC पार 10 बजे हर एक दिन अनअकेडमी की ऐप पे. और एक सीरीज मैंने लाया है 20 का दम. 20 का दम में क्या होगा, 20 का दम UPSC क्रैक करेंगे हम, ठीक है. 20 का दम UPSC क्रैक करेंगे हम, राइट. तो जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स, तो ये सब का मैं 20-20 क्वेश्चन पुटअप करता हूँ एवरी डे. कब? रात के 10 बजे, 10 PM पे. तो ध्यान रखना, सुबह 10 बजे लॉक कर दीजिए, और शाम के 10 बजे, रात के 10 बजे. सुबह 10 बजे क्या है, अब की बार UPSC पार, और शाम के 10 बजे क्या है, जो है 20 का दम. 20 का दम में 20 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको इवैल्यूएट करोगे. देखो, डेली बेसिस में आप टेस्ट दोगे, जिसमें आपका ऐसा नहीं है कि हम लोग आमतौर पर सोचते हैं यार कि एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाए, सारे सिलेबस ख़त्म कर दूं, तब जाके टेस्ट दूंगा. ऐसा दिन कभी नहीं आएगा बेटा UPSC में. कभी आप सारे सिलेबस ख़त्म नहीं करोगे UPSC में, ठीक है. तो आपको जो है टॉपिक के बाद टेस्ट देना ज़रूरी है, तब जाके आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, क्या कमी रह गई, और किस प्रकार से आगे जाना है. क्लियर है बेटा? तो ये है 20 का दम. तो वेलकम. ये सारे दिन जो होंगे 10 PM पे होगा 20 का दम. आइए डेली बेसिस पे इवैल्यूएट करिए. कहाँ पे? कि अनअकैडमी के ऐप पे, ठीक है. प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.
ये है लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आके मेरा नाम टाइप कर लीजिए और उसके बाद जो है आप देख सकते हो, प्योमकेस टाइप कर लोगे तो आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। दिस आर द टॉप एजुकेटर व द पार्ट ऑफ अन अकेडमी जिसमें सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और देखो एडमिशन का देखो एक साल केवल 44,000, दैट टू बी, ये मेरा लाइफ कोड है बीएम लाइव, आपको पड़ जाएगा 39,000। दो साल बेटा बहुत कम पड़ेगा, 64,000, उसमें बीएम लाइव कर दीजिए जिसमें 10% जो है आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको पड़ जाएगा 57,600 में। क्लियर है पॉइंट? तो नॉर्मल कोचिंग करोगे बेटा तो आपको 1.5 लाख से 2 लाख पड़ेगा, बट यहाँ पर कर रहे हो तो आपको केवल 57,000 में आपको दो साल, दैट टू बी मॉक टेस्ट, उसके साथ साथ जो है आपको सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। देन अगेन एक आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, आइकनिक सब्सक्रिप्शन मतलब पर्सनल मेंटरशिप चाहिए। देखो जैसे कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कोई पर्सनल मेंटर हो, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो है आईएएस का माहौल नहीं होता है। 99 घर के सराउंडिंग में, 99 स्टेट में आईएएस का माहौल नहीं होता। आईएएस बोल देते तो उनको बहुत बड़ी चीज़ लगती है, बहुत लोग डिसअपॉइंट करने वाले बहुत होते हैं कि अरे तुझसे नहीं होगा, कुछ इनडायरेक्टली बोलेंगे, कोई दूसरा जॉब कर ले, ठीक है, आईएएस नहीं, मतलब इनडायरेक्टली मना करते रहते। तो एक आपको हमेशा माहौल क्रिएट करना है, आपको जो है पर्सनल मेंटरशिप चाहिए हर एक टाइम पे, कि आप कौन सा किताब पढ़ोगे, कौन सा टेस्ट सीरीज दोगे, कैसे अप्रोच करोगे, कौन सा सब्जेक्ट को पहले पढ़ोगे, कौन सा एग्जाम के पास में पढ़ोगे, प्रीलिम्स के लिए ऑप्शनल मतलब मेंस के लिए ऑप्शनल क्या रखोगे, ऑप्शनल की तैयारी कब करनी चाहिए, और क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे जो है आप मतलब ज़्यादा स्कोर करोगे, मेंस में किस प्रकार से मार्क लिखोगे, एवरीथिंग, इंटरव्यू में किस तरह से फेस करोगे, आपको प्रॉपर एक मेंटरशिप की ज़रूरत है। अगर आपको चाहिए मेंटरशिप, तो मैं जो है आपके मेंटरशिप करने के लिए तैयार हूँ। सो ये है, लेकिन आपको करना क्या होगा, आइकनिक सब्सक्रिप्शन, उसमें थोड़ा सा फीस कंपेरेटिवली वहाँ से ज़्यादा है। एक साल को आपको पड़ेगा 57,000 और दो साल के लिए आपको पड़ेगा 89,000, जिसमें देखिए हालांकि प्लस में भी आप लाइव क्लासेस मिल सकता है, टेस्ट सीरीज मिल सकता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल सकता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिल सकता है, बट यहाँ पर जो स्पेशल होगा पर्सनल कोच मिलेगा आपको, डेली मेंस और क्वेश्चन का आंसर होगा, पीटी का आंसर होगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे, पर्सनलाइज फीडबैक डेली बेसिस पे आपको जज करके फीडबैक मिलेगा। तो पर्सनल लेवल पे तो मैं कहूँगा कि ये बेस्ट है। तो ये आप कर सकते हैं कैसे, ये मेरा रेफरल कोड है पीएम लाइव, और मैंने फ़ोन नंबर भी दे दिया है, कोई दिक्कत होती है तो मुझसे बात भी कर लीजिए, ठीक है, मुझसे बात कर लीजिए और फिर पर्सनल मेंटरशिप में ज्वाइन करिए, तो मैं आप लोगों को पूरा मतलब साथ दूंगा यूपीएससी क्लियर करने तक, मतलब सिंपल से लैंग्वेज में आईएएस बना के ही छोड़ेंगे। दिस आर माई मैराथन वीडियोस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट में मैराथन की हुई है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है। तो अभी जो है मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने, है ना, चलिए तो कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने और आप उसका आंसर देना, ठीक है। और आंसर जो है आप मैसेज में दोगे आंसर, ठीक है, मैसेज आंसर में दोगे पक्का देना, ठीक है। और ये मत सोचना कि कल करेंगे, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो ध्यान रखना नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी, अभी नहीं दोगे तो कभी नहीं दे पाओगे। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं ना आमतौर पर कल करेंगे यार, लाइफ में कल नहीं आता कभी भी, कल नहीं आता कभी भी लाइफ में, ध्यान रखना। तो इसलिए जो करना है अभी करना है, यहां करना है। तो लेट्स स्टार्ट। So some of the question मैं लेके आया हूँ, आपको आंसर देना है, मैसेज में आंसर देना है, ठीक है। मैं 30 सेकंड दूंगा हर एक क्वेश्चन का एंड आपको आंसर देना है, क्लियर है पर? पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ धोलावीरा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन ए है, इट्स सिटीज वर हॉरिजेंटल डिवाइड इन टू मल्टीपल पार्ट्स। ऑप्शन बी, its cities were unevenly divided, or option C, its cities were divided into 3 parts, or option D, none of this. आप बताइए, देखिए आंसर गलत होगा सही होगा मैटर नहीं है, आप
आंसर जानने से पहले बताइए ताकि मैं आप रियलाइज कर सको. क्लियर है फ्रेंड? तो वन सेकंड सेइंग विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ द धोलावीरा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. फर्स्ट है इट्स सिटीज वेर हॉरिजेंटली डिवाइडेड इन मल्टीपल पार्ट्स. ऑप्शन बी इट्स सिटीज वेर अनइवनली डिवाइडेड. ऑप्शन सी इट्स सिटीज वेर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स और नन ऑफ दिस. आपका ऑप्शन है कि सी, दैट इज द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ धोलावीरा. ऑप्शन सी देखिए कि इट्स सिटीज वेर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ठीक है, ये सिटीज जो है डिवाइड हुआ है थ्री पार्ट्स में. Then, so, देखो, the most unique feature of Dholavira and Indus Valley Civilization site is in Gujarat. It is its division, while the other hand, Indus Valley Civilization site were divided into two parts, that is Citadel and Lower Towns. Dholavira was divided into three divisions. Clear? अगला question. In Indus Valley Civilization, Great Bath was found at which place? मैंने बताया था लोगों को. ऑप्शन ए मोहेंजोदारो, ऑप्शन बी हरप्पा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी और ऑप्शन डी रोपर. आप जब आंसर दोगे पहले नंबर लिखना कौन सा नंबर क्वेश्चन है. जैसे कि टू है तो टू ए मोहेंजोदारो ऐसे, टू बी हरप्पा ऐसे, टू सी राखीगढ़ी ऐसे, टू डी रोपर ऐसे, इस तरह देना है कि ताकि पता चले कि कौन सा आंसर दे रहे हो, किसके आंसर दे. सो इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट बाथ, विशाल स्नानगार, मैंने बताया था आप लोगों को, वॉज फाउंड एट विच प्लेस. मोहेंजोदारो, हरप्पा, राखीगढ़ी और रोपर, बताइए. तो राइट आंसर है ए, दैट इज मोहेंजोदारो में. ठीक है, द ग्रेट बाथ वॉज डिस्कवर एट मोहेंजोदारो, सिंध, पाकिस्तान, और जिसका मेजरमेंट 11.88 meters to 7.8 inches एंड मैक्सिमम डेप्थ इज 2.43 meters. क्लियर है? अगला सवाल आपके सामने. इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्टाइल ऑफ द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का नाम क्या था. ऑप्शन ए पोस्टोपोडन, ऑप्शन बी पिक्टोग्राफिक, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी नॉट डिसअपीयर्ड येट. तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन का द स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट क्या था. पोस्टोपोडन मैंने तो बताया था, पिक्टोग्राफिक, ब्राह्मी और नॉट डिसअपीयर्ड येट. तो राइट आंसर इज, दैट इज, आप देख सकते हो ए, दैट इज पोस्टोपोडन. मैंने बताया था पोस्टोपोडन आपको कि ये जो लिखने का जो तरीका है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, उसको पोस्टोपोडन कहते हैं, है ना. अगला सवाल, विच इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मोहेंजोदारो इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. वाट इज द मीनिंग, मोहेंजोदारो का दूसरा नाम क्या था. वाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मोहेंजोदारो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. ऑप्शन ए माउंट ऑफ द डेड, ऑप्शन बी माउंट ऑफ द लाइफ, ऑप्शन सी माउंट ऑफ द स्ट्रगल और ऑप्शन डी माउंट ऑफ सोरो. बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स मोहेंजोदारो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. माउंट ऑफ द डेड, माउंट ऑफ द लाइफ, माउंट ऑफ द स्ट्रगल एंड माउंट ऑफ सोरो, बताइए. राइट आंसर इज माउंट ऑफ डेड, दैट इज ऑप्शन ए इज द लिटरली मीनिंग ऑफ मोहेंजोदारो. अगला सवाल, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट विशाल अन्न भंडार वॉज फाउंड एमंग द विच ऑफ द साइट. मोहेंजोदारो, हड़प्पा, सुरकोटाडा एंड लोथल. तो ग्रेट ग्रेनरी कहां पर पाया गया था, मोहेंजोदारो में, हड़प्पा में, सुरकोटोडा में और लोथल में, बताइए. तो राइट आंसर है ए मोहेंजोदारो में. ग्रेट ग्रेनरी पाया गया था कहां पे, मोहेंजोदारो में, वाइल सिक्स स्मॉल ग्रेनरी वर फाउंड इन हरप्पा. ठीक है, सिक्स स्मॉल ग्रेनरी वर फाउंड इन हरप्पा, हरप्पा में पाया गया था. क्लियर है? बट ये वाला मोहेंजोदारो. देन देयर इज नो एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ व्हिच अमंग द व्हिच अमंग दैट इज बार्ली, शुगर, राइस और फेल्पी एट एनी टाइम ऑफ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ऑप्शन ए शुगर, राइस एंड फेल्पी, ऑप्शन बी राइस एंड फेल्पी, ऑप्शन सी शुगर केन ओनली और ऑप्शन डी राइस ओनली. क्लियर है फ्रेंड? तो ऑप्शन सी
ऑप्शन सी दैट इज सुगर केन ओनली. देन क्वेश्चन नंबर 8-7 न्यूड मेल टॉर्सो हैड बीन फाउंड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस. जो नग्न मूर्ति है न्यूड मेल टॉर्सो जो कि जैनिज्म का सिंबल करता है, बताया था मैंने कि नग्न मूर्ति जैनिज्म में दो प्रकार के होते, दिगंबर श्वेतांबर. तो जैन मूर्ति ये कहां पर पाया गया था? मेहरगढ़, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल. तो मेल टॉर्सो नग्न मूर्ति कहां पर पाया गया था? मेहरगढ़, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल. यस, द राइट आंसर इज सी. द मेल टॉर्सो हैज बीन फाउंड इन हड़प्पा. हड़प्पा में पाया गया था. अगला सवाल, मेहरगढ़ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन ए सैंडस्टोन, ऑप्शन बी टेरेकोटा कार्ट, ऑप्शन सी कॉपर राइनोसर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव. तो मेहरगढ़ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कहां पर पाया गया था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नोन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, रेंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, टेरेकोटा, मतलब मेहरगढ़ किस चीज के लिए फेमस है? रेड सैंडस्टोन, टेरेकोटा कार्ट, कॉपर राइनोसोर एंड नन ऑफ अबव. यस दैट इज, तो रेड देखो तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बी जो है दैट इज टेरेकोटा कार्ट इज द राइट आंसर. ध्यान रखना सैंडस्टोन के लिए जो फेमस है मोहनजोदारो, ठीक है, कॉपर राइनोसोर दैट इज दैमाबाद, ठीक है. उसके बाद एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट द इंक पॉट हैज बीन डिस्कवर्ड. इंक पॉट हैज बीन डिस्कवर्ड हरप्पा, लोथल, कालीबंगा और चानोदारो. देखिए आप जब आंसर दीजिए आप नंबर लिख के आंसर दीजिए कि जैसे कि 9 ए हरप्पा, 9 बी लोथल, 9 सी कालीबंगा, 9 डी चानोदारो, इस प्रकार से देना है ताकि नंबर का पता चले और आपका ऑप्शन का पता चले, ठीक है. तो मिनिमम इतना दे सकते हो कि 9A, 9B, 9C, 9D भी दे सकते हो. हालांकि बेस्ट रहेगा 9A हड़प्पा, 9B लोथल, 9C कालीबंगा, 9D चंद्रदरा देते हो तो बहुत अच्छा होगा. क्लियर है? बट नंबर जरूर लिखिए किस में आंसर दे रहे हो. तो उसका राइट आंसर है बेटा डी इज द राइट आंसर, ठीक है. डी इज द राइट आंसर हियर दैट इज चानोदारो. क्लियर है? अगला सवाल, ब्रिंग आउट द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट. आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है कौन सा है. फर्स्ट है कालीबंगा वेयर एमंग द वर्ल्ड अर्लीस्ट नोन प्लाउड फील्ड. ऑप्शन बी है मोहाभस्मा डिस्क्राइब द एट्रोसिटी ऑफ चोला रूलर्स ड्यूरिंग द कंक्वेस्ट ऑफ श्रीलंका. ऑप्शन सी अगटियम इज द फर्स्ट ग्रामर बुक ऑफ संगम एज एंड फर्स्ट तमिल ग्रामर बुक एंड ऑल आर करेक्ट. ऑल आर करेक्ट. तो ये देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी दैट इज ऑल आर करेक्ट, ठीक है. देन द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ वो ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट कहां पे? हड़प्पा, मोहनजोदारो, रोपर, कालीबंगा. ग्रेट बाथ विशाल स्नान भंडार अभी बताया था मैंने कहां पे? बी, ठीक है, बी दैट इज ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट मोहनजोदारो. क्लियर है पॉइंट? देन उसके बाद जो है द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पा वॉज फेयरली इगलिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, कॉलर वर्ण बेस्ड और कास्ट बेस्ड. इगलिटेरियन मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी बताओ. सो द सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पान वॉज फेयरली इगलिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, कॉलर वर्ण बेस्ड और कास्ट बेस्ड. कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर इज ए दैट इज फेयरली इगलिटेरियन. इगलिटेरियन का मतलब क्या है? इक्वालिटी एंड इक्वल राइट्स. क्लियर है? उसके बाद देखो विच वॉज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड. विच वॉज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड. योर ऑप्शन आर लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदारो. कौन सा है? लोथल है, कालीबंगा है, हड़प्पा और मोहनजोदारो. यस राइट आंसर है ए. राइट आंसर इज लोथल फॉर द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. अब देखो अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट ऑफ हड़प्पान सिविलाइजेशन इज करेक्ट. कौन सा जो है करेक्ट है? पहला और ए है हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज नोन टू देम, देन काउ वॉज सेक्रेट टू देम, देन पशुपति वॉज
वेनेरेटेड बाय देम एंड द कल्चर वाज जनरली स्टैटिक. कौन सा जो है उसमें सही है आपको बतानी है. ठीक है, व्हिच स्टेटमेंट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट. कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है. तो यहां पर देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, पशुपति वाज द वेनेरेटेड बाय देम. पशुपति गॉड है, उनका भगवान है, मेल गॉड है. उसके बाद देखो द हरप्पा डिड नॉट नो द यूज ऑफ. किसका यूज वो लोग नहीं जानते थे, ये तो मैंने बताया था, कॉपर का, ब्रोंज का, गोल्ड का और आयरन का. द हरप्पा डिड नॉट नो द यूज ऑफ, किसके बारे में इस्तेमाल करना वो नहीं जानते थे. अफकोर्स दैट इज डी, आयरन. आयरन वॉज नॉट नोन टू द हरप्पान सिटीज. हरप्पान सिटीज आर द पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वर हेल्ड आफ्टर द चालकोलिथिक पीरियड ऑफ द स्टोन एज, है ना. और ड्यूरिंग द चालकोलिथिक पीरियड कॉपर वॉज द फर्स्ट टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स एंड देयर ऑब्जेक्ट्स. अब देखो देयर आर सिमिलरिटी बिटवीन द सील फाउंड एट मोहेंजोदारो एंड डेस. मोहेंजोदारो और किसके बीच में जो है सील जो है सेम टाइप का मिला था, इजिप्ट का, चाइना का, सुमेरिया और अफगानिस्तान का. देयर वॉज अ सिमिलरिटी बिटवीन द सील फाउंड एट मोहेंजोदारो एंड डेस. आपको डेस पूर्ण करना है, इजिप्ट, चाइना, सुमेरिया और अफगानिस्तान. तो राइट आंसर इज दैट इज सी. राइट आंसर इज दैट इज सी. आप देख सकते हो दैट इज सुमेरिया. अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. दैट इज 24,000 बीसी से लेकर 1700 बीसी, 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी, 24 बीसी से लेकर 1750 बीसी और 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी. ऑप्शन डी. ठीक है, ऑप्शन डी. इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए ब्रोंज एज सिविलाइजेशन और उसके बाद जो है एक्सटीम फ्रॉम व्हाट टुडे द नॉर्थ अफगानिस्तान टू पाकिस्तान. अगला क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ इंडस वैली एंड द हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ. द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ. ऑप्शन ए पशुपति, इंद्र एंड द मदर गणेश. ऑप्शन बी स्टोन, trees and animals. Option C, Vishnu and Lakshmi. और option D, Shiva and Shakti. ये है आपका option, option number A. Option A में क्या है देखो, पशुपति, इंद्रा and Mother Goddess. अगला सवाल, question number 19. Out of the following remain excavated in Indus Valley, which one indicate the commercial and economic development? Out of the following remain excavated of Indus Valley, which one indicate the commercial and economic development? First है the pottery, sill, the boards and the house. Clear है point? So right answer है that is B, that is known as sill. Clear है point? अगला question, the Harappa had commercial relation with. Harappa का जो है commercial relationship किसके साथ था? China के साथ, Java के साथ, मेसोपोटामिया के साथ या बर्मा के साथ. कमर्शियल रिलेशनशिप हरप्पा का किसके साथ था? तो वो है सी इज द राइट आंसर, दैट इज नोन एज मेसोपोटामिया के साथ था, मेसोपोटामिया. क्लियर है. अगला क्वेश्चन, द ग्रेनरी डिस्कवर्ड एट हरप्पा वाज लोकेटेड. द ग्रेनरी डिस्कवर्ड एट हरप्पा वाज लोकेटेड कहां पे था? विद इन द सिटाडेल एट मोहेंजोदारो, इन द लोअर टाउन, नियर द रिवर रावी और बिसाइड द वेस्टर्न घाट सिटी. तो राइट आंसर क्या है देखो, दैट इज नोन एज सी. सी इज द राइट आंसर, दैट इज नियर द रिवर रावी. देन उसके बाद द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर फाउंड इन. द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन टाइप वॉज फाउंड इन. उस टाइप का सिविलाइजेशन कहां पर पाया गया था? शुमर, इजिप्ट, China and all of all the three. The right answer is all the three. Then the Indus Valley civilization has been assigned the period 2500 se lekar 1800 BC on the basis of mystical insight by modern search, making on seals, radiocarbon dating and travelers written account. To kaun sa hoga right answer?
दैट इज द सी, दैट इज रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से। अगला सवाल, द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हरप्पन साइट इज यूनिहॉर्न बुल, काउ, बुल एंड टाइगर। ठीक है, ये तो दे सकते हो आराम से आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज, मैंने पिक्चर भी दिखाया था आप लोग को, यूनिहॉर्न बुल मतलब एक सिंग वाला बुल। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इन पाकिस्तान, वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में पाया गया है, लोथल, कालीबंगा, आलमगिरीपुर और हरप्पा, कौन सा जो है पाकिस्तान में पाया गया है। सो दैट इज डी, दैट इज नोन एज, ऑब्वियसली दैट इज नोन एज हरप्पा। ठीक है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मेनली इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ साउथ एशिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम व्हाट टूडे इन द नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देन द हरप्पन सिविलाइजेशन डू नॉट हैव होमोजेनिटी, द हरप्पन सिविलाइजेशन डू नॉट हैव होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, किस चीज में, वेट एंड मेजरमेंट में, सीरियल क्रॉप्स में और बरियल प्रैक्टिस में और बी एंड सी। देखो, द हरप्पन सिविलाइजेशन डू नॉट हैव होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी इन वेट एंड मेजरमेंट, सीरियल क्रॉप्स, बरियल प्रैक्टिस एंड बी एंड सी। तो राइट आंसर इज सी, बरियल प्रैक्टिस मैंने बताया था, ये एक होती है रेक्टेंगुलर भी होती है, एक होती है सर्कुलर भी होती है, एक है इंसान के साथ मेल प्लस फीमेल का भी होती है, एक है मेल प्लस डॉग का भी होती है, ये सब चीजें। द लोकल नेम ऑफ मोहेंजोदारो, मोहेंजोदारो का जो लोकल नाम क्या था, माउंट ऑफ द लिविंग, माउंट ऑफ द ट्री, माउंट ऑफ डेड और माउंट ऑफ सर्वाइवर। ऑप्शन सी, दैट इज माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, ये जो है देखो माउंट, ये जो है सिंधी वर्ड से लाया गया था। ठीक है, सिंधी वर्ड जिसका मौत को टीला भी कहा जाता है। व्हाट वाज द ओनली सिटी, व्हिच वाज द ओनली सिटी ऑफ इंडस वैली, इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन, कालीबंगा, मोहेंजोदारो, हड़प्पा और चाणूदारो। व्हिच वाज द ओनली सिटी ऑफ इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन, कौन सा है बताइए, कालीबंगा है, मोहेंजोदारो है, हड़प्पा है या चाणूदारो है, बताओ। तो ऑप्शन डी, दैट इज चाणूदारो, डी दैट इज चाणूदारो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉमन टू बोथ द हरप्पा सोसाइटी एंड ऋग्वेदिक सोसाइटी, हरप्पान सोसाइटी और ऋग्वेदिक सोसाइटी में कौन सा चीजें जो है कॉमन है। फर्स्ट क्या है, हॉर्सेस, दूसरा क्या है फीमेल डाइटिस, तीसरा क्या है ऑर्बन सेंटर एंड आयरन इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए दैट इज नोन एज हॉर्सेस आर द कॉमन। देन उसके बाद देखो एक चीज मैं बता देता हूं कि आपको आंसर देते रहना है, आप खाली माइंड में मत सोचो या आप खाली पेपर में मत लिखो, आपको जो है यहां पर मैसेज में आंसर देना है, तब जाके चीजें पता चलेगा आप कौन सा सही दे रहे हो कौन सा गलत दे रहे हो। और ये मत सोचिए कि आपका आंसर जो है सही है या गलत है, सही गलत सोचोगे बेटा तो दिक्कत होगी। अब जो है पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ो और ये दो तीन बार देखो वीडियोस, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसको भी देखो दो तीन बार, तब जाके बात बनेंगे। तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन में जो हटके भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चन को भी मैंने डाला हुआ है एग्जामिनेशन में जो आ सकता है, क्लियर है पॉइंट, और जो आया भी है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ द हरप्पन साइट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ द हरप्पन साइट, ड्रेन एंड वेल, फोर्ट, रिजर्वियर और टेम्पल विद द शिखर। ठीक है, तो अब मैं जो देखिए अब मैं जो सेशन लाने वाला हूँ, टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, उसकी टॉपिक पे क्वेश्चन भी पुट अप करूंगा, साथ में रहेगा, तो आपको टॉपिक देखना है, समझना है और आंसर भी देना है, क्लियर है। और मैक्सिमम जो है मैं कवर कर देता हूँ, और जो कवर नहीं करता हूँ क्वेश्चन आंसर बेसिस में बता दूंगा, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से ये जो सीरीज है उसको ध्यान से देखना है, क्लियर है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, दैट इज टेम्पल विद द शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which was the biggest building in Mohenjo-daro? Mohenjo-daro का biggest building कौन सा है? Great Bath, Granary, Yug Girl,
टू स्टोरेड बिल्डिंग. तो राइट आंसर इज दैट इज द बी, दैट इज द ग्रेनरी. ठीक है, ग्रेनरी दैट इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग. अगला सवाल, सीरियल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ हरप्पान सिविलाइजेशन वाज वेयर, क्या क्या है? व्हीट, राइस, मिलेट्स एंड ऑल ऑफ अबव. सीरियल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन वाज वेयर, क्या है? व्हीट है, राइस है, मिलेट्स है, ऑल ऑफ अबव. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ अबव, सारे जो चीजें. ठीक है, देन 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव द हरप्पान पीपल इज इनकरेक्ट. आपको बतानी है कौन सा इनकरेक्ट है हरप्पान के बारे में. पहला क्या है, द हरप्पान वेयर फल्स वर्शिपर, फलश वर्शिपर. देन दे वर्शिप गॉड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, दे पेस देयर गॉड इन टेम्पल एंड दे लुक्ड अपॉन द अर्थ एज ए फर्टिलिटी गॉड. मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये जो है सी वाला जो है, क्योंकि मंदिर, हरप्पान पीपल डिड नॉट प्लेस देयर गॉड इन टेम्पल. ठीक है, मूर्ति पूजा उनका टेम्पल ही नहीं था, टेम्पल वाला कंसेप्ट ही नहीं था. क्लियर है पॉइंट. अगला क्वेश्चन, हरप्पान वेपन वर मेड ऑफ स्टोन, कॉपर, ब्रोंज एंड ऑल ऑफ अबव. ये तो बता सकते हो, हरप्पान के जो वेपन कहां से बना होता है, स्टोन से, कॉपर से, ब्रोंज से और ऑल ऑफ अबव से, बताइए. तो डी दैट इज ऑल ऑफ अबव. देन उसके बाद देखिए, यहां पर देखिए, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द एक्सकवेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस सिविलाइजेशन, साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कौन कौन सा. ऑप्शन वन में देखो मोहेंजोदारो है, ऑप्शन टू में है चाणूदारो है, ऑप्शन थ्री में हरप्पा है, ऑप्शन फोर में लोथल है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए पर, यू टेक 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 30 सेकेंड मोर. आप फिर आराम से बताइए, अगर आपको पता है कि फर्स्ट कब हुआ था और लास्ट कौन सा हुआ था, दोनों पता है तो आपको आंसर मिल रहा है. यहाँ पर आपको फर्स्ट पता है और लास्ट पता है तो आंसर आपको इजीली मिल रहा है. विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ एक्सकवेशन ऑफ द साइट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. वन मोहेंजोदारो, दो चाणूदारो, थ्री हरप्पा और फोर्थ जो है लोथल. टेक योर 30 सेकेंड मोर एंड गिव द आंसर. ठीक है, सोचो, देखो, अगर आपको फर्स्ट पता है कब हुआ था और लास्ट भी पता है, ऐसे क्वेश्चन में देखो एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको चार ऑप्शन आता, ये जरूरी नहीं है. और 90% चांस है आपको चार ऑप्शन के बारे में नॉलेज नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन में. और एक क्वेश्चन आता है बेटा, चार स्टेटमेंट होती है, उसमें बता देता हूँ 90% चांस है कि चार स्टेटमेंट आपको नहीं आएंगे. बट ऐसे में दो स्टेटमेंट भी आता है और ऑप्शन में दो ऑप्शन भी आता है तो आप आंसर सही कह सकते हो. और ये कैसे, आप प्रैक्टिस करके, क्वेश्चन आंसर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आंसर सही होगा. क्लियर है बेटा, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, द करेक्ट क्रोनोलॉजी एक्सकवेशन ऑफ द साइट आर हड़प्पा, मोहेंजोदारो, चाणूदारो एंड लोथल. फर्स्ट में हड़प्पा, सेकेंड मोहेंजोदारो, थर्ड चाणूदारो और फोर्थ लोथल. तो यहाँ पर हड़प्पा आपको पता है और लोथल आपको पता है तो बात बन जाती. चलिए, द डेट ऑफ हरप्पान सिविलाइजेशन 2300 से लेकर 1750 BC हैज बीन फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोट्री डिजाइन, स्ट्रैटिफिकेशंस, आर्यन इन्वेशन एंड रेडियो कार्बन डेटिंग. ऑप्शन इज रेडियो कार्बन डेटिंग पे है, ऑप्शन डी. देन द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वाज एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर. द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वाज एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन एंड सिल्वर. तो राइट आंसर इज दैट इज बी, दैट इज कॉपर. ठीक है, देन उसके बाद जो है, द रुइन ऑफ हरप्पा एंड मोहेंजोदारो वेयर फाउंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स. तो द रुइंस ऑफ हरप्पा एंड मोहेंजोदारो कहाँ, कौन सा रिवर में पाया जाता है, रिवर बैंक में? रावी, इंडस, बीस, बीस का मतलब होता है ब्यास, ब्यास रिवर, और बोथ ए एंड बी. तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, मीन्स बोथ रवि एंड इंडस, बोथ ए एंड बी. क्लियर है. अगला सवाल,
काली बंगा इज सिचुएटेड इन, ये तो बहुत सिंपल सवाल है यार, काली बंगा ब्लैक बेंगल्स कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, सिंध पे, राजस्थान पे और गुजरात पे। उत्तर प्रदेश, सिंध, राजस्थान और गुजरात। तो कालीबंगा है राजस्थान में है ना। तो कालीबंगा इज नोन इज अ टाउन लोकेटेड इन द साउथ बैंक ऑफ घग्गर, घग्गर हरका रिवर, तहसील पालीबंग बिटवीन द सरतंग एंड हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इंडिया 205 किलोमीटर फ्रॉम द बीकानेर। इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाई एज बींग एस्टेब्लिश इन द ट्रेवल ऑफ ट्रेंगल ऑफ लैंड और एट द कन्फ्लुएंट ऑफ दृश्यवती एंड शेरावती रिवर्स। ठीक है, ओके। द यूटेंसिल ऑफ इंडस वैली पीपल वर मेनली मेड ऑफ, यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ क्ले, कॉपर, ब्रोंज एंड ब्रास। यूटेंसिल कहाँ से बना होता है? क्ले से, कॉपर से, ब्रोंज से और ब्रास से। ये भी सिंपल है, क्ले इज द राइट आंसर। देन द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप, किसको वर्शिप करते थे? विष्णु जी को, पशुपति जी को, इंद्र जी को और ब्रह्मा जी को। ये भी सिंपल सवाल है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप किसको? यस ऑफ कोर्स, दैट इज पशुपति महादेव, मेल गॉड, जिसको प्रोटो शिवा भी कहा जाता है। प्रोटो शिवा, मैंने बताया था योगिक पोस्चर में होते हैं, शिवजी से कंपेयर की जाती है, जिनके चारों तरफ सारों चारों एनिमल होती है, टाइगर, राइनो, बफालो एंड एलिफेंट, है ना। तो उन वो योगिक पोस्चर में भी होते हैं, योगिक पोस्चर एंड सराउंडेड बाय फोर एनिमल। एक तरफ है बफालो, दूसरी तरफ है एलिफेंट, देन है राइनो, राइनोसर एंड देन इज टाइगर। चारों तरफ चारों एनिमल होते हैं। यस, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन, ये तो सिंपल है, मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, देन चंडीगढ़ एरिया और गुजरात। सिंपल सा सवाल है, दैट इज लरकाना डिस्ट्रिक्ट, बी, दैट इज इन पाकिस्तान। नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये तो बहुत आसान सवाल है, आप दे सकते हो उसका आंसर, है ना। नेम द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे प्राचीन, इंडस, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राइट आंसर दैट इज बी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू द पेलियोलिथिक एज, प्रिमिटिव एज, नियोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज। तो द इंडस वैली, ये भी बताया था मैंने, द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी सेड टू बिलोंग टू द पेलियोलिथिक, प्रिमिटिव, नियोलिथिक और ब्रॉन्ज, बताया था मैंने आप लोगों को, ब्रॉन्ज एज से। देन 45, ब्रॉन्ज एज दैट इज डी, उससे विच ऑफ वॉज द इंडस ओनली इंडस सिटी विदाउट सिटाडेल, बिना सिटाडेल के कौन सा है? ये भी बताया था, कालीबंगा, हरप्पा, मोहनजोदारो और चाणूदारो। तो राइट आंसर इज दैट इज चाणूदारो। देन द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज, स्क्रिप्ट कौन सा था? द्राविडियन, पर्शियन, संस्कृत और अनडिफिशियबल। स्क्रिप्ट कौन सा था? स्क्रिप्ट, ठीक है, दैट इज द, अब तक जो है कोई नहीं पढ़ पाया है ना। देन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, द आर्कियोलॉजिकल टू इनिशियली डिस्कवर द मोहनजोदारो साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, मार्टिन व्हीलर एंड आर डी बनर्जी। द आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट टू इनिशियली डिस्कवर द मोहनजोदारो साइट, किसने डिस्कवर किया था? डी, दैट इज द आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी, है ना। अगला सवाल, द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अर्बन सिविलाइजेशन, एग्रेरियन सिविलाइजेशन, मेसोलिथिक और पेलियोलॉथिक सिविलाइजेशन। क्या होगा आंसर? ए, दैट इज ऑर्बन, मैंने बताया था सबसे शहरी सभ्यता था। लास्ट दो क्वेश्चन में लाया हूं, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वर्शिप ऑफ फोर्स ऑफ नेचर, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, पेस्टोरल फार्मिंग एंड कास्ट सोसाइटी। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वर्शिप ऑफ फोर्स फोर्स ऑफ नेचर, ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ, पेस्टोरल फार्मिंग एंड कास्ट सोसाइटी। यस, राइट आंसर इज दैट इज बी, दैट इज ऑर्गेनाइज सिटी लाइफ इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट
deficited animal of Indus Valley civilization was elephant, lion, bull or dog. आप बता सकते हो most deficited animals are elephant, lion, bull and dog. The right answer is that is bull. The bull seal Harappa, the majestic Zeva bull was the heavy drop. तो जहाँ हर एक जगह पे होता था, ठीक है, that was the symbol. ठीक है, most deficited animals of Indus Valley civilization was the bull, है ना. तो ये था Indus Valley civilization. उसके साथ साथ 50 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, आप जरूर उसको प्रैक्टिस करिए बार बार. ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में कुछ और टॉपिक लेके आऊँगा. थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस. और एक चीज़ बता दूँ, मैं यहाँ पर सिस्टमेटिकली इंडस वैली से लेकर टोटल जो है सिस्टमेटिकली मैं यहाँ पर बात करूँगा, पढ़ाऊँगा आप लोग. ठीक है, थैंक यू ऑल.